पुनः आप सभी को लोगों को इस सत्र में पुनः स्वागत करते हैं। इस सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर एच एस प्रसाद जी से निवेदन करते हैं कि आप मंच पर आएं और अध्यक्ष अपना अध्यक्ष पद संभालें। और प्रवक्ता के रूप में हमारे अगले चार प्रवक्ता हैं। सबसे पहले वेनरेबल डॉक्टर के श्री सुमित थेरो जी, आप जहाँ आप आए तो इस मंच में आसन ग्रहण करें। और सत्येंद्र प्रकाश पांडे जी, आपसे भी निवेदन है कि आप मंच पर आए और अपना आसन ग्रहण करें। और हमारे बीच अरुण कुमार राय जी हैं, आपसे भी निवेदन करते हैं कि आप मंच पर आए और अपना आसन ग्रहण करें। और अगले प्रवक्ता है आर एन प्रसाद, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर आए और अपना आसन ग्रहण करें। और आज के इस तरह के अध्यक्ष प्रोफेसर एच एस प्रसाद जी से निवेदन करते हैं कि आप इस तरह के कार्यभार को संभालेंगे। धन्यवाद। ऐसा ही शुड हैव स्टार्टेड एट 3:40, वी आर ऑलरेडी लेट बाय 20 मिनट्स। एंड यू नो द चेयरमैन्स टास्क इज वेरी एम्बेरसिंग। एक बार युधिष्ठिर को लगा, उन्होंने कहा कि छात्र धर्म महापापम, उसी तरह अध्यक्ष का पद जो है महापाप है। ये इतने बड़े विद्वानों को इतने महीनों सालों से स्टडी किया है, उनको रोकना जो है ना, ये बहुत, मैं नहीं समझता कि मुझे जो है निर्वाण मिलेगा। बट एनीवे, सो आई रिक्वेस्ट डॉक्टर सत्येंद्र प्रकाश पांडे जी। सत्येंद्र प्रकाश है, ये नहीं है, दूसरे हैं क्या सत्येंद्र? अरे तो चलिए ना, एक नाम अच्छा मिल गया, क्या प्रकाशित कीजिए ना, आप प्रकाशित कीजिए। और जैसा कि जानते हैं मेरी दुविधा, 20 मिनट प्लीज। नमो तिरत्नाय। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ इस सेमिनार के आयोजनकर्ता को, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय और सभागार में उपस्थित सभी विद्वत जन एवं बौद्ध विद्या जानने के जिज्ञासी, मेरे पत्र का विषय है अभिधर्म के उद्भव का मूलाधार धम्मचक्रवर्तन सूत्र। अभिधर्म में विद्वानों के बीच एक विवाद का विषय रहा है। इसके बारे में ये मंतव्य रहे हैं कि ये बुद्ध वचन नहीं है या कालांतर में इसका विकास हुआ है। मैं दोनों मत से आंशिक रूप से सहमत हूँ। जहाँ तक अभिधर्म के बुद्ध वचन न होने का प्रश्न है, और बुद्ध वचन है, इस संदर्भ में एक ग्रंथ है अठसारिणी, जिसके रचयिता बुद्ध घोष हैं और उन्होंने इस पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है। उस विवेचन से ये प्रकट होता है कि उन्होंने दो बातें कही है, एक तो अभिधर्म पिटक को लेकर और दूसरा अभिधर्म के बारे में। जहाँ तक अभिधर्म पिटक का प्रश्न है, उसमें कथाबत्थु की रचना को अगर हम लें तो उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये बुद्ध वचन नहीं है। लेकिन उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि ये भी बुद्ध वचन है और बुद्ध के द्वारा प्रदत्त मातिका के आधार पर रचित ग्रंथ है। उस ग्रंथ में ही इस तथ्य को प्रतिपादित करते हुए बुद्ध घोष ने ये कहा है कि अभिधम्म जो है बुद्ध का विषय था और उनके शिष्यों का नहीं था, इसलिए बुद्ध ने जो है इसका प्रतिपादन स्वयं किया है। और यह प्रतिपादन उन्होंने देवलोक में देवताओं के समक्ष किया, जिसमें उनकी माता प्रमुख साक्षी थी। तत्पश्चात उन्होंने अनुतत्त तट पर आकर अपने प्रिय शिष्य सारिपुत्र को उसकी मातिका बताया, और सारिपुत्र ने अपने 500 सद्धिक बिहारिक शिष्यों को उसकी जानकारी दी।
ये ध्यातव्य है कि बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं हैं वो उसका संकलन प्रथम संगीति में राजगृह में किया गया, और उस संगीति में जो उसका आधार था, एक था बुद्ध का निर्देश कि मेरे पश्चात उनके द्वारा प्रज्ञप्त धर्म और विनय शास्ता होंगे, दूसरा ग्रंथ का लिपिबद्ध नहीं होना या एक स्थान पर संकलित नहीं होना, किसी एक भिक्षुओं द्वारा या एक समूह द्वारा सभी उपदेश सुने नहीं गए थे, और सुभद्र की वाणी कि अब हम उस महाश्रवण से मुक्त हो चुके हैं, जो चाहेंगे करेंगे, उसको आधार बना करके महाकश्यप ने धर्म के संग ये धर्म और विनय के संगायन के लिए संगीति बुलाई, और उस क्रम में उन्होंने ये कहा कि धर्म और विनय का हम संगायन करेंगे। धर्म और विनय का संगायन उन्होंने प्रथम संगीति में की। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि इसमें अभिधम्म पिटक की रचना नहीं हुई। अब जिस जो हमारे पास साक्ष्य हैं, साहित्यिक साक्ष्य जो प्रथम संगीति की बात करते हैं, वो है चुल्लवक। चुल्लवक की पंचशतिका संगीति में इसके विस्तृत विवेचन हैं। चुल्लवक के अंत में तस्सुदान है, करीब 15-16 लाइन का वो तस्सुदान है, जिसमें छठे सातवें पंक्ति पे एक शब्द है जिससे यह प्रकट होता है कि प्रथम संगीति में तीन पिटकों का संगायन हुआ। इसलिए यह कहना कि अभिधम्म नहीं हुआ सही प्रतीत नहीं होता। यह सही है कि अभिधम्म का विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था। वर्तमान जो हमारा ये प्रपत्र है उसमें से मुझे ये सिद्ध करना है कि अभिधम्म धम्मचक्र प्रवर्तन से कैसे निष्पन्न है। यह हमें ध्यातव्य है कि बुद्ध की जो शिक्षा है दो बातों को लेकर प्रवृत्त होती है, वो है दुख और दुख निरोध। इन्हीं दो बातों को बढ़ाते हुए बुद्ध ने चार आर्य सत्य के प्रतिपादन अपनी प्रथम देशना में की। इस देशना में उन्होंने प्रथम आर्य सत्य के रूप में दुख की सत्ता स्थापित की, द्वितीय आर्य सत्य के रूप में उसके कारण बताए, और तृतीय में निरोध, और चतुर्थ में निरोध के मार्ग। अब यहाँ कुछ बातें ध्यान देने की है। ये सारी बातें मैं पेपर से इतर बोल रहा हूँ। ध्यान देने की बात यह है कि बुद्ध की जो शिक्षा है वो लोगों के मानसिक स्तर, उनके व्यवसाय आदि को ध्यान में रखकर दिए गए। अभिधम्म सुत्त पिटक से भिन्न है, क्योंकि अभिधर्म में किसी प्रकार के दृष्टांत, उदाहरण आदि का सहारा नहीं लिया गया है। अब चूंकि अभिधम्म सारी पुत्र को दिए गए, इसलिए ये उन्हें किसी उदाहरण के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा इनको समझाने की आवश्यकता नहीं थी, ऐसा मुझे लगता है। पुनः बुद्ध ने जो अपनी देशना दी, प्रथम देशना दी, उसके पश्चात उस देशना को उन्होंने दो ढंग से प्रतिपादित करने की कोशिश की, एक विश्लेषण और दूसरा संश्लेषण। जब अभिधम्म के विभिन्न ग्रंथों का हम अवलोकन करते हैं तो पठान को छोड़कर बाकी जितने भी ग्रंथ हैं उसमें विश्लेषण, धम्म के विश्लेषण का प्रतिपादन किया गया है, और पठान में उसका संश्लेषण दर्शाया गया है। अभिधम्म को धम्मचक्र प्रवर्तन की पृष्ठभूमि में समझने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि हम उसके शाब्दिक, पारंपरिक, सैद्धांतिक एवं प्राविधिक रूप से विश्लेषण करें। शाब्दिक दृष्टि से अभिधम्म शब्द दो पदों से निष्पन्न है, अभि एवं धम्म। अभि एक उपसर्ग है जिसका अर्थ है गहन, सूक्ष्म, गूढ़ एवं उत्कृष्ट आदि। धम्म शब्द बहुअर्थक है और संदर्भ के अनुरूप विभिन्न अर्थों को संप्रेषित करता है। उदाहरण के लिए बुद्धो धम्मं देशेति, यहाँ धम्म शब्द उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत या शिक्षा का द्योतक है। इसी प्रकार नहीं बेरेन बेरानी समन्तिद कुदाचन अवेरेन ही बेरानी एस धम्मो सनंतनो, यहाँ धम्म एक नियम का प्रतिपादन करता है,
इस तरह से धर्म शब्द जो है संस्कृत धर्म, मानसिक प्रवृत्ति, सत्य, सदाचरण आदि अर्थ का द्योतक है। बुद्ध घोष के अनुसार धर्म शब्द के चार अर्थ हैं, पर्यत्ति अर्थात सिद्धांत, हेतु कारण, गुण सद्गुण अथवा एवं निसट निजबित सत्व रहित एवं जीव रहित। इसके अतिरिक्त जब हम अभी शब्द के साथ हम धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये चार परमार्थ सत्यों का द्योतक है। ये चार परमार्थ सत्य हैं चित्त चैतसिक रूप एवं निर्वाण। अभी शब्द के बारे में की ओर इन अर्थों में भी प्रयुक्त होता है और इस दृष्टि से महागोसिंग शब्द में ये शब्द आए हैं जो ये दर्शाता है। और वहाँ महाकच्चायन और सारिपुत्र वगैरह धम्म की चर्चा कर रहे हैं और जब बुद्ध ने उनसे पूछा कि वो क्या कर रहे हैं तो उन्होंने कहा था अभिधम्म पर बात कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से अभिधम्म का तात्पर्य है धर्म से संबंधित। पारंपरिक रूप से जब हम अभिधम्म की परिभाषा करते हैं तो वह यंग यथ बुद्धिमंतो सलखना पूजिता परिच्छिन्ना बुद्धाधिका च धम्मा अभिधम्मो तेन अखातो, यानी जिसका फर्दर जिसका और अधिक विश्लेषण नहीं किया जा सके, जो लक्षण युक्त है, पूजनीय है और हर धर्म के जो विभिन्न रूप हैं उसको अलग अलग करके दर्शाया गया है, ऐसे विशिष्ट धर्म को अभिधर्म कहा जाता है। तात्पर्य यह है ये कि अभिप्रीत सत्य का प्रतिपादन करने के कारण इसे परमर्थ देशना, यथाभूत धर्म का शासन होने के कारण यथा धर्म शासन, तथा नाम एवं रूप का विवेचन करने के कारण नाम रूप परिच्छेद कथा कहा जाता है। अभिधम्म का प्राविधिक अर्थ उपयुक्त अर्थों से भिन्न है। जैसा कि पूर्व में मैंने कहा कि इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य है दुख और दुख निरोध से अवगत कराना। इस पृष्ठभूमि में जब हम अवलोकन करते हैं तो मनुष्य दुखावृत है और उससे निवृत्ति के मार्ग बुद्ध ने प्रज्ञप्त किए हैं। इसे अधिक अच्छे ढंग से समझने के लिए यह जरूरी है कि हम कुछ प्रश्नों पर विचार करें, जैसे दुख क्या है, दुख की स्थिति में कौन है, प्रश्न संख्या एक और दो यानी इन दोनों प्रश्नों के बीच क्या संबंध है, तीसरा दुख का अभाव की अवस्था क्या है और चौथा दुख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग क्या है। बौद्ध दर्शन के अनुसार हमारे व्यवहारिक जीवन में हमारे इंद्रिय आपात में अनेक आलम्बनों का आगमन होता है। यदि ये आलम्बन मन की इच्छा के अनुकूल होते हैं तब हम इसे सुख कहते हैं और जब आलम्बन मन की इच्छा के प्रतिकूल होता है हम इसे दुख कहते हैं। इस प्रकार आलम्बन के प्रति मन का प्रतिकूल अनुभव दुख है। यह प्रतिकूल अनुभव सहज सहनीय नहीं होता, अतएव इसे दुख करेन खमति इति दुखं के रूप में परिभाषित करते हैं, अर्थात दुष्कर्ता से जो सहन किया जा सके उसे दुख कहते हैं। चूंकि बौद्ध धर्म का उद्देश्य मुख्यतः मनुष्य का कल्याण है, अतएव यह कहा जा सकता है कि मनुष्य दुख की अवस्था में है। अब यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न होता है कि मनुष्य क्या है। बौद्ध दर्शन किसी पुद्गल जीव सत्व आदि की सत्ता तो स्वीकार करती नहीं है, किंतु बौद्ध दर्शन की शब्दावली में मनुष्य नाम एवं रूप का संघात है। पुनः नाम चित्त एवं चैतसिक धर्म का संघात है। इस प्रकार चित्त चैतसिक एवं रूप का संघात दुख की अवस्था में है। चित्त एवं चैतसिक मनुष्य के मानसिक इकाई तथा रूप उनके उसके भौतिक इकाई का निर्माण करते हैं। दूसरे शब्दों में मनुष्य एक मानसिक भौतिक इकाई है। इस पृष्ठभूमि में मनुष्य एवं दुख के मध्य संबंध से संबंधित प्रश्न का परीक्षण करने पर हम अपने व्यावहारिक अनुभव से यह पाते हैं कि मनुष्य आसक्ति के कारण पीड़ित होता है। ध्यातव्य है कि हम अक्सरहा विभिन्न प्रकार के व्याधियों से ग्रस्त हजारों व्यक्तियों के बारे में सुनते हैं किंतु हम उससे परेशान नहीं होते हैं और कभी भी किसी प्रकार की असहजता अनुभव नहीं करते हैं, परंतु ज्यों ही हम अपने किसी मित्र अथवा संबंधी की बीमारी का समाचार सुनते हैं हम असहज हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम उनके प्रति राग युक्त हैं, तृष्णाग्रस्त होते हैं। अतः इस दृष्टि से मनुष्य एवं दुख के बीच जो संबंध स्थापित करता है वो है तृष्णा। चतुर्थ प्रश्न है दुखाभाव की अवस्था का उत्तर है निर्वाण। निर्वाण
तृष्णा रहित अवस्था का द्योतक है। अंतिम किंतु अत्यंत प्रासंगिक प्रश्न दुख निरोध अथवा परम की सुख की ओर ले जाने वाले मार्ग क्या है? प्रत्युत्तर में बौद्ध दर्शन यह प्रतिपादित करता है कि बुद्ध के द्वारा साक्षात्कृत आर्य अष्टांगिक मार्ग दुख निरोध का मार्ग है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को अनुशासित करते हुए कहा कि इस मार्ग का अभ्यास दुख के मूल कारण तृष्णा को विनष्ट करता है और परम सुख निर्माण का साक्षात्कार करवाता है। इस पृष्ठभूमि में निर्माण के अतिरिक्त मनुष्य का निर्माण करने वाले अवयवों चित्त चैतसिक एवं रूप का अध्ययन करता है, अर्थात चार मूल तत्व चित्त चैतसिक रूप एवं निर्माण अभिधर्म के अध्ययन का विषय है, जिनका विवेचन अनेक दृष्टियों से अभिधर्म के बाहक अभिधर्म पिटक के साथ ग्रंथों धम्मसंगिनी विभंग धातु कथा आदि में किया गया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि अभिधर्म अलग है और अभिधर्म पिटक अलग है। अभिधर्म पिटक का क्रमिक विकास हुआ या इससे संबंधित अन्य जो ग्रंथ संस्कृत बौद्ध धर्म में हुआ वो कालांतर में हुआ, और जो धम्म है जिसकी स्थापना बुद्ध ने सारनाथ में की प्रथम उपदेश के रूप में, उससे ही बाकी सारी बातें निकली। जैसे उदाहरण के लिए प्रथम देशना के प्रारंभ में बुद्ध ने दो अतियों काम सुख में संलिप्तता एवं आत्म तप में संलिप्तता का प्रतिषेध किया। उन्होंने इन दो अतियों को निकृष्ट ग्राम्य सामान्य अनारी अलाभकारी एवं दुखदायी बताया तथा लोगों को इनका सेवन न करने का निर्देश दिया। इन दो अतियों के श्रेणी में उस समय प्रचलित एवं पालन की जाने वाली अनेक मिथ्या दृष्टियां समाविष्ट थी। इन दृष्टियों के वर्णन एवं उसकी व्यर्थता को दर्शाने तथा सम्यक दृष्टि की स्थापना के क्रम में ब्रह्मजाल सूत्र जैसे विशिष्ट सूत्र का विकास हुआ। इस देशना में ही बुद्ध ने इन दो अतियों के स्थान पर मध्यम मार्ग अर्थात सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्प सम्यक वचन आदि से युक्त आठ अंगों वाले अष्टांगिक मार्ग के अभ्यास का निर्देश दिया। मध्यम मार्ग के ये आठ अंग पुनः तीन श्रेणियों सील समाधि तथा प्रज्ञा में विभक्त है। सील के अंतर्गत सम्यक वचन सम्यक कर्मांत एवं सम्यक आजीविका, समाधि के अंतर्गत सम्यक व्यायाम सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि तथा प्रज्ञा के अंतर्गत सम्यक दृष्टि एवं सम्यक संकल्प की गणना की जाती है। प्रख्यात अठकथाकार बुद्ध घोष द्वारा रचित विशुद्धि मार्ग नामक प्रसिद्ध ग्रंथ पूर्णतः सील समाधि एवं प्रज्ञा की व्याख्या को समर्पित है। अष्टांगिक मार्ग के प्रथम अंग सम्मादिट्ठि के विस्तृत विवेचन के लिए सारिपुत्र ने सम्मादिट्ठि सूत्र का प्रयोग ज्ञापित किया। इसी प्रकार धम्मचक्क प्रवर्तन सूत्र में निर्दिष्ट तथ्यों के विवेचन व विश्लेषण के लिए अनेक सूत्रों एवं ग्रंथों का प्रज्ञापन किया। इन सारी बातों के कहने का तात्पर्य यह है, दर्शाना है कि धम्मचक्र प्रवर्तन से ही अभिधर्म जो है निकला। वह कैसे? अभिधर्म में चित्त चैतसिक रूप और निर्माण का वर्णन है। पुनः चित्त अनेक रूपों में विभाजित है और जो अभिधर्म का जो पहला ग्रंथ है धम्म संगणी उसमें एक एक चित्त के उत्पत्ति को दर्शाया गया है। जैसे अगर कामावचर चित्त की उत्पत्ति होती है तो उसके साथ कुछ तत्व उत्पन्न होते हैं जिसको हम चैतसिक कहते हैं। अब जब हम इसका अवलोकन धम्मचक्र प्रवर्तन की पृष्ठभूमि में देखते हैं तो पहला है दुख। तो अभिधर्म की दृष्टि में जो दुख है वो है चित्त चैतसिक और रूप। दूसरा जो अब आर्य सत्य है वो है दुख समुदय तृष्णा। तृष्णा लोभ नामक एक चैतसिक है, अभिधर्म की दृष्टि में वो लोभ नामक चैतसिक है। अब ध्यातव्य भी है कि तृष्णा अकेले उत्पन्न नहीं होती है अभिधर्म के अनुसार। यहाँ चूंकि तृष्णा का प्रभुत्व होता है इसलिए तृष्णा सिर्फ हम तृष्णा की गणना करते हैं, अदरवाइज इसके साथ फस वेदना संज्ञा आदि बहुत सारे चैतसिक और चित्त भी उत्पन्न होते हैं तभी वो तृष्णा के रूप में कार्य करता है, अन्यथा संभव नहीं है। तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध निर्वाण का पर्यायवाची है। और चतुर्थ आर्य सत्य है आर्य अष्टांगिक मार्ग। आर्य अष्टांगिक मार्ग में आठ हैं जिसमें सम्यक दृष्टि प्रज्ञा नामक चैतसिक है, सम्यक संकल्प वितर्क नामक चैतसिक है,
सम्यक वचन, सम्यक क्रमांत और सम्यक आजीविका वीरति नामक तीन चैतसिकों का समूह है। सम्यक व्यायाम वीर्य नामक चैतसिक है। सम्यक स्मृति सती नामक चैतसिक है। सम्यक समाधि एकाग्रता नामक चैतसिक है। अब ये सभी अकेले अकेले इसलिए प्रतिपादित हैं कि इसकी प्रमुख भूमिका होती है। इनके साथ अन्य चैतसिक सहचर के रूप में जुड़े होते हैं। दो मिनट सर। अभिधर्म की दृष्टि से चार आर सत्यों के विश्लेषण के क्रम में यह परिलक्षित होता है कि आठ प्रकार के लोकोत्तर चित्त एवं उसके साथ संप्रयुक्त चैतसिक को छोड़कर प्रथम चित्त, प्रथम तीन परमार्थ सत्य, प्रथम आर्यसत दुख की सत्ता को एवं लोभ नामक चैतसिक के प्रभाव में आगत चित्त एवं चैतसिक धर्म दुख समुदाय को दर्शाते हैं, जबकि निर्वाण तृष्णा का क्षय, तृतीय आर्यसत दुख निरोध है। लोकोत्तर चित्त तथा उसके साथ संप्रयुक्त चैतसिक धर्म चतुर्थ आर्यसत दुख निरोध की ओर ले जाने वाले मार्ग का द्योतक करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये संश्लेषण और विश्लेषण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप यह उत्पन्न हुआ। जो लोग यह मानते हैं कि अभिधर्म की सत्ता प्रथम संगीति के दौरान नहीं थी या प्रथम संगीति के समय नहीं थी, तो उसके लिए मेरा दो है उदाहरण। पहला है कि उस चुल्लवग में तीन पिटक का वर्णन है, तीन पिटक शब्द हैं। हो सकता है कि लोग इंटरपोलेशन कहें तो हमारे जैसे लोग ऊपर वाले को इंटरपोलेशन कह देंगे, धम्म और विनय को। दूसरा है कि अगर अभिधम्म नहीं था तो द्वितीय संगीति के समय जो महासांगिकों की समानांतर संगीति हुई उसमें महासांगिकों ने अभिधम्म को रिजेक्ट किया। तो अगर अभिधम्म की सत्ता नहीं थी तो फिर उन्होंने क्या रिजेक्ट किया और क्यों किया? थैंक यू, धन्यवाद। वैसे और भी बहुत कुछ कहने के लिए था लेकिन द प्रेफरेंस इज हियर फॉर द स्टूडेंट्स। पहले तो मैं बढ़िया लेक्चर क्लियर और जो विवाद जो अभिधम्म का है उसको क्लियर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। अभी सर ने कहा कि जो चुल्लवग में केवल जानकारी है सर, बस नहीं है। चुल्लवग में कहाँ पर है सर? तस्सुदान जो लास्ट वाला जो पैसेज है, जो कार्यवाही है उसके वर्णन के बाद उसमें एक है तस्सुदान हेडिंग, उसका उदान। अच्छा, उसमें सारे में जो है उसमें छठे सातवें लाइन में है, दो पंक्ति है। धन्यवाद। पांडे जी का पेपर बहुत अच्छा है। मेरा आपसे निवेदन है ये अष्टांगी मार्ग में से सम्यक कर्म अंत है, इसमें पाली में किस तरह से इसका अर्थ दिया है? सम्यक कर्म अंत, सम्यक कर्मान का अर्थ चौथा है ना जी, चौथा उसमें आता है पाली में। इसमें जो पंचशील के अंतर्गत जो है कायिक कर्म है उसका नहीं करना है, पानातिपात कामेश्वर मिथ्याचार अदिन्ना दान, इससे जो विरति है वो सम्यक कर्म है। जी ये अंतिम कर्म है। हम बहुत नाना प्रकार के कर्म करते हैं, झूठ बोलना, चोरी करना, डकैती करना वगैरह वगैरह, लेकिन अगर उससे हम विरत होते हैं और जो उसके जस्ट विपरीत कर्म है उसका पालन करते हैं तो, और सम्यक दृष्टि रखते हुए पालन करते हैं तो उससे हम निर्वाण की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं, इसलिए उसको सम्यक कर्मांत कहा गया है। मेरे समझ से ऐसा है सर कि तीन प्रकार के कर्म होते हैं, मनोकर्म, वाची कर्म, कायिक कर्म। तो पहले वो सम्यक दृष्टि में या सम्यक संकल्प में वो मनोकर्म कर लिया, संकल्प ले लिया कि हम ये करना है, फिर वची कर्म होता है और अंत में कायिक कर्म पर जाकर वो समाप्त होता है। इसलिए सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्यक वचन वो कर लिया, सम्यक संकल्प मनोकर्म किया, और सम्मा कमंत में आता है पाणातिपाता वीरमणि, अदिन्ना दाना वीरमणि, कामेशु मिच्छाचार वीरमणि, यही तीन आता है। तो पहले जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं किसी से खराब अकुशल से ज़्यादा जल्दी समझता है लोग, तो किसी से द्वेष है अगर वह आता रहता है तो उसको देखकर ही मन हमारा जो है वो
दूषित होता है, मलिन होता है और मन में बुरा भाव जगता है। जब वो और नज़दीक आता है तो हम उसे अपशब्द बोलते हैं, वचन का कर्म हुआ। अब फिर अंत में नहीं होता है तो उसको मारपीट देते हैं, नहीं होता है तो उसको जान मार देते हैं, तो कायिक वहाँ समाप्त हो गया। तो इसलिए समाकमंत किया। समाकमंत का मतलब कायिक कर्म है सर, मनोकर्म वचिकर्म नहीं है। पाणातिपात, अदिन्नादान, कामेश्यु माच्छाचार, तीनों जो है वह कायिक कर्म है। और काय पर जाकर कर्म समाप्त होता है, इसलिए से कमन तो कहा जाता है। ये बड़ा अच्छा रहा है, ये तो मेरे लिए भी चिंतनीय। अध्यक्ष को चिंता में डाल दिया इस विषय। पांडे जी, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और आपका अनुसरण दूसरे वक्ता भी करेंगे। थैंक यू सर। मैं उधर बैठ जाऊं? अरे इधर आइए, हमारे पड़ोस। मैं यहाँ पर क्वेश्चन विद डॉक्टर पांडे। हेलो सर, चेयरपर्सन सर, यस, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर हिम। I have discussed with him about his topic during the break terms. I'm not fully understand Hindi. So anyway, as you promised during that we discussed, maybe you should enlighten me and also other people as well, who some of them not Hindi as medium here. From my listen to all the paper from the previous panel, like Mahayana, also based on the Theravada concept, and from that developed, and then that's why a lot of people claim that Mahayana is not a Buddha Vachana. Okay. So, like the words, the store consciousness, Alaya. So then, according to Abhidhamma. Now, does the Buddha say this is Abhidhamma? No, you related that Abhidhamma four concept based on the Chakravartin Sutta. Yes. So then, how can you explaining this? Because based on the Mahayana teaching, Alaya is also a store consciousness. Okay, but that is also based on the Abhidhamma, there is a concept right there. Even though the Buddha did not say that word. Now, okay. Do you understand what my question yes, is? I that understand Abhidhamma, your question. Yes. Does he really talk about that? And you claim that it's a Buddha Vachana. But what about the Mahayana like that? Some people claim that Mahayana he's teaching not is Buddha not Vachana. A Buddha Vachana. Yes. Pandeji. Sister, 60 seconds. Before Mahaparinibbana, Buddha said, if somebody says that this is dharma, this is vinaya, do not accept it. It is, if it is not in accordance with the dharma and vinaya propounded by me, number one. Secondly, he said, the thing is not dharma. If it is not beneficial in the beginning, in the middle, and at the end. Beginning means if it is not fostering the practice of sila, middle means meditation, and last means pragya. If Mahayana is not in accordance with these principles, then that is not Buddha Vachana. But when you go through the Mahayana text, it specifically laid down these three principles. They do not say anything else. They have defined in a different way, but the basic motto of the Mahayana text is also the welfare of the people. And that is possible by practicing virtue, meditation, and cultivation of insight. Thank you. Hello. Sir, meri ek jigyasa hai, sir. Arey bhai. Sir ka lecture bahut acha raha, lekin meri ek jigyasa hai ki sir ka topic tha Abhidhamma ke udbhav ka मूल आधार धम्मचक्रपवर्तन सूत्र। तो क्या कोई अभिधम्म के उद्भव का और कोई सूत्र हो सकता है सर? मेरी ये जिज्ञासा है, या सूत्र या ग्रंथ। देखिए, अभिधम्म ये धम्मचक्रपवर्तन मैंने इसलिए चुना कि अधिकांश लोग इससे सहमत हैं कि ये बुद्ध का प्रथम उपदेश है।
और उसके पश्चात बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, बहुत सारे सूत्र लिखे गए, तो उन सूत्रों में दृष्टांत वगैरह जो है दिए गए हैं, तो वो सारे व्यक्ति के जो मानसिक अवस्था है, उसका जो विश्वास है, उसका जो व्यवसाय है, उसके अनुरूप दिए गए हैं। और अभिधम में उनको दिया गया है जिनको दृष्टांत की जरूरत नहीं थी। कुछ भी आप विकसित, जैसे 37 बोधि पक्षीय धर्म है उसमें भी अभिधम है, प्रतीत समुत्पाद है उसमें भी धम्म है, लेकिन मैं इसे इसलिए चुना हूँ कि धम्म की स्थापना बुद्ध ने सारनाथ में की और उस धम्म से अभिधम निकला है। अभिधम न सिर्फ विशेष अर्थ के अर्थ में द्योतक है, बल्कि धम्म के बारे में जो बातें हैं, और वहाँ धम्म जो है सील समाधि प्रज्ञा दुख दुख समुदय और दुख निरोध है। अभिधम में भी दुख दुख समुदय दुख निरोध सील समाधि प्रज्ञा है। कामावचर कुशलचित सील है, कामावचर अकुशलचित से विरति सील है, रूपावचरचित अरूपावचरचित समाधि है, लोकोत्तरचित प्रज्ञा है। थैंक यू सर। थैंक यू पांडे जी, बहुत अच्छा। आई धन्यवाद आपको। नो और नेक्स्ट स्पीकर इज डॉक्टर अरुण कुमार राय। आपको भी वही कंडीशन वही। धन्यवाद अध्यक्ष जी, मंचस्थ विद्युत जन, सभागार में उपस्थित प्रोफेसर वांगचुक दुर्जगी जी, प्रोफेसर डी आर सिंह जी, डॉक्टर सुचर शर्मा जी एवं अन्य विशिष्ट जनों को का अभिनंदन। मेरा विषय है बुद्धिज्म और परामनोविज्ञान। बेसिकली अभी तक आप लोग बहुत विद्वानों को सुनते आ रहे हैं, मैं इस विषय का विद्यार्थी भी नहीं हूँ, बहुत स्पष्ट कर दूँ। मैंने एक प्रयास किया है दोनों को, क्योंकि मुझे कोई रेफरेंस नहीं मिला। बेसिकली बुद्धिज्म में परामन विज्ञान का कोई रेफरेंस मुझे नहीं मिला, फिर भी प्रोफेसर वांगचुक दुर्जगी जी के आशीर्वाद से मैंने कुछ प्रयास किया है और अगर आप लोग के सामने प्रस्तुत है। बुद्धिज्म को जो मैंने समझा, बुद्धिज्म व्यक्ति से सामान्य व्यक्ति से विशिष्ट व्यक्ति बनने का मार्ग बुद्धिज्म है। मैंस पोजिशन अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म इज सुप्रीम। मैन इज हिज ओन मास्टर एंड देयर इज नो हायर बींग और पावर दैट सिट्स इन जजमेंट ओवर हिज डेस्टिनी। परामनोविज्ञान मनोविज्ञान का एक विशेष क्षेत्र है जो ऐसे व्यक्ति का अध्ययन करता है जो विशिष्ट मार्ग द्वारा अर्जित ज्ञान के कारण सामान्य से विशिष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण विश्व में दो प्रकार की विद्या मिलती हैं, अपरा और परा। अपरा विद्या में भौतिक विकास के ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करने वाला, आध्यात्मिक विकास मार्ग को प्रशस्त करने वाली विद्या को परा विद्या कहते हैं। मुंडोक परिषद में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद शिक्षा कल व्याकरण आदि की को अपराविद्या और अखंड ब्रह्म ज्ञान को पराविद्या बताते हैं। द्वै विधे वेदितव्ये इतिहासम यद ब्रह्मा विदो वदन्ति परा चैवपरा च तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वेद शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्तम छंदो ज्योतिष इति अतपरा यथ यया यदा तदक्षरा अधिगम्यते। दोनों ही विद्या का अपना विशेष महत्व है। आज जितने भी स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालयों में है तो उसमें शिक्षा रसायन केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, वो सारी की सारी अपराविद्या है। पराविद्या के पूर्व अपराविद्या का ज्ञान आवश्यक माना गया है। विषयानुसार हम बुद्धिज्म परामनोविज्ञान का विश्लेषण करेंगे। उपरोक्त तथ्यानुसार बुद्धिज्म को मैं एक परा विद्या मानता हूँ। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो संभवतः सभी जीवों का अध्ययन करता है। यूँ कह सकते हैं कि गर्भावस्था से मृत्यु तक का अध्ययन करने वाला एकमात्र कोई विश्व का विषय है तो मनोविज्ञान है। तो मैंने मनोविज्ञान को तीन खंडों में किया, एक असामान्य मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान और परामनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान तो सामान्य व्यक्तियों का अध्ययन करता है, जो भी उनके बिहेवियर इमोशंस हैं। असामान्य भी उसी का अध्ययन किया जाता है, लेकिन वो एबनॉर्मल बिहेवियर जो समाज द्वारा एक्सेप्ट नहीं होते हैं। परामनोविज्ञान विशिष्ट व्यक्तियों का अध्ययन करता है जो अपने विशेष मार्ग से अर्जित ज्ञान से कुछ विशिष्ट हो जाते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का आधार मानकर व्यक्ति का अध्ययन करता। वातावरण में हर क्षण परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के सापेक्ष में सामान्य स्वीकृत व्यवहार यदि व्यक्ति करता है तो व्यक्ति सामान्य की श्रेणी में आता है। यदि व्यक्ति सामान्य की अपेक्षा विपरीत क्रोध, अविश्वास, कार्य में अरुचि लेना, गंभीर असामान्य समस्या, आत्महत्या करना, इस तरह की बातें करता है तो असामान्य मनोवैज्ञानिक श्रेणी में आएगा और उसकी चिकित्सा मनोविज्ञान आदि के क्षेत्रों से की जाती है। परामनोविज्ञान हम उस विशिष्ट व्यक्ति को अध्ययन का केंद्र बनाते हैं जो व्यक्ति समाज में व्याप्त बुराई दुख कष्ट निवारण हेतु अपने ज्ञान विद्या के माध्यम से मुक्ति या निवारण का मार्ग बताता है।
अर्थात सिद्ध योगी बोधिसत्व तथागत का अध्ययन करना ही परामनोज्ञान का क्षेत्र हो सकता है। परामनोज्ञान है क्या? डिसिप्लिन कंसर्न्ड विथ इन्वेस्टिगेटिंग इवेंट्स दैट कैन नॉट बी अकाउंटेड बाई फॉर बाई नेचुरल लॉ एंड नॉलेज दैट कैन नॉट हैव बीन ऑब्टेंड थ्रू द यूजुअल सेंसरी एबिलिटीज। पैरासाइकोलॉजी स्टडी फाइव ब्रॉड एरियाज, टेलीपैथी, कैलेबियांस, प्रीकॉग्निशन, साइकोकैनेसिस एंड सर्वाइवल स्टडीज। परामनोविज्ञान ऐसे विशिष्ट मानव सिद्ध योगी तथागत का उनके बाहरी पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है जो प्रकृति के ज्ञात भौतिक नियमों से परे महसूस होते हैं। परामनोविज्ञान चेतना, मस्तिष्क और मन के अंतर्वैयक्तिक संबंधों जो प्रकृति के सूक्ष्म नियमों पर अवलंबित है का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान और परामनोविज्ञान को अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें संक्षेप में, तो पारिभाषिक दृष्टि से देखें तो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान करता है, और परामनोविज्ञान ऐसी घटना जो प्रचलित विज्ञान के नियमों के तहत विश्लेषित न हो, अर्थात विज्ञान उसकी पूर्ण व्याख्या न कर पाता हो। सामान्य मनोविज्ञान का क्षेत्र है चिकित्सा, संप्रदाय, प्रचलित नियम कानून आदि का अध्ययन करता है, और परामनोविज्ञान का क्षेत्र विषय बहुत अस्पष्ट नहीं है, परंतु जे बी राइन आदि के शोधपरक अध्ययन क्षेत्रों के पश्चात अध्ययन क्षेत्र को सीमाबद्ध किया गया है, और वही है टेलीपैथी है, कैलेबियांस है, प्रीकॉग्निशन, साइकोनेसिस, सर्वाइवल स्टडीज का अध्ययन क्षेत्र पैरासाइकोलॉजी के अंतर्गत है। कार्य क्षेत्र में असामान्य व्यक्तित्व, सामान्य व्यक्तित्व, कानून, पुलिस, चिकित्सा और पैरासाइकोलॉजी का कार्य क्षेत्र है परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण के सामान्य अवधारणा के अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों का अध्ययन। जी सर, जी जी ठीक सर, अभी बस ठीक सर। फिर भी पैरासाइकोलॉजी के कुछ पैरासाइकोलॉजी में प्रोफेसर जे बी राइन ने कुछ स्टडीज किया था, प्रोफेसर जे बी राइन ने स्टडीज किया था, वो अमेरिका में एसपीआर सबसे पहले बड़े सगल जी के एक साइंटिफिक स्टडी के लिए उन्होंने कुछ जेनरिक कार्ड्स बनाए थे जो ताश तरह के कार्ड्स थे, जिसमें 25 कार्ड्स थे। 25 कार्ड्स में उन्होंने ये जानने का प्रयास किया क्या जो सिक्स सेंस होता रहता है, अतिंद्रिय ज्ञान जो है वो क्या सबके अंदर सामान्य रूप से होता है। तो इसके लिए उन्होंने जो है एक अलग कमरे में उसको फेंट लेती थी और फिर अपने सब्जेक्ट्स को देती थी, तो उस सब्जेक्ट के आधार पर अगर 25 में 5 से अधिक लोगों ने सही उत्तर देते थे तो ये मानते थे कि अंतर अतिंद्रिय ज्ञान है। सबसे पहले साइंटिफिक स्टडी पैरासाइकोलॉजी में ये किया गया, पहले इसको भूत प्रेत ज्योतिष आदि की विद्या के क्षेत्र मानते थे, इसलिए पैरासाइकोलॉजी का अध्ययन नहीं करते थे। अब बुद्धिज्म के साथ आप बात कर रहे हैं, तो टेलीपैथी का एक व्यक्ति विशेष के मन मस्तिष्क के विचार को दूसरे मन मस्तिष्क तक प्रेषित करना, जैसे किसी को पूरे मनोयोग से याद करना, उसका याद आ जाना, ये हमारा टेलीपैथी में आता है। अतिंद्रिय दृष्टि में ऐसी घटना जो कि भौतिक मापन से परे हो, जैसे बुद्ध के जन्म पूर्व महामाया का कश्वेत हाथी का स्वप्न, प्री कॉग्निशन, ऐसी घटना जो घटित न हुई हो और उसको हम स्पिरिचुअल लेवल पे घटा लेते हैं, जैसे कि महर्षि अरविंद ने भारत को आध्यात्मिक धरातल 50 वर्ष पूर्व स्वतंत्र कराया था, आत्मशक्ति, साइकोनेसिस, निर्जीव से प्रत्यक्ष बातचीत या ऊर्जा चिकित्सा आदि, महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर जिस एक बार एक दीवार में बैठे तो उस दीवार को ही उन्होंने चलाया मन कर दिया था। इसी तरह से बनारस के पास की घटना है कि एक संत किनाराम जी हुए हैं और भिखाराम दास जी, संत किनाराम भिखादास भुड़कुरा भिखाराम जी से मिलने गए हैं, भिखारा दास जी जो है जिस दीवार पर बैठे थे उस दीवार को ही चलायमान कर दिया है। तो इस तरह की बहुत सी घटनाएं हैं जो परामनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है। पैरासाइकोलॉजी एंड बुद्धिज्म, आप जो कह रहे हैं, सामान्य दृष्टि से बुद्धिज्म का पैरासाइकोलॉजी और पैरासाइकोलॉजी विपरीत ध्रुवीय प्रतीत होता है, क्योंकि उन दोनों का दर्शन अलग प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। पैरासाइकोलॉजी वर्तमान समय में केवल रहस्य, जादू टोना आदि का अध्ययन करने वाला विषय नहीं है। बुद्धिज्म और पैरासाइकोलॉजी के क्षेत्र में अध्ययन का अभाव मुख्य कारण, पैरासाइकोलॉजी को रहस्य विज्ञान और बुद्धिज्म को विरोधी विज्ञान माना जाता है, जो निश्चित रूप से उचित नहीं है। वर्तमान पैरासाइकोलॉजी के अध्ययन क्षेत्र एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन वास्तव में बुद्ध के जीवन में भी मिलता है। पूर्व जन्म की अवधारणा तो प्रमाणित है, जातक माला इसका प्रमाण है।
बुद्ध का प्रारंभिक जीवन और पैरासाइकोलॉजी। बुद्ध जब सिद्धार्थ राजकुमार के रूप में थे और सभी सुख ऐश्वर्य साधन उपलब्ध थे, फिर भी मन में असंतुष्टि का भाव संवेदना आभास के रूप में था जो सदैव उन्हें विचलित करता था। परंतु जो ही उन्होंने वृद्ध और रोगी मृतक को देखा तो द्रवित और विचलित हो गए। उनका मन इन घटनाओं का कारण खोजने को विचलित हो गया। महाभिनिष्क्रमण में सिद्धार्थ बुद्ध सजे सजाए पलंग पर लेटे थे, यह घटना सभी लोग जानते हैं। अनेक सुंदरियां उनको अपने कामुकते से मनोरंजन कर रही थी। उन्हें नींद आ गई, उन्हें सुता देखकर सुंदरियां भी ऊँघने लगी और थोड़ी देर में सो गई। आधी रात को जब सिद्धार्थ की नींद खुली तो देखा चारों तरफ बेसुध बिखरी पड़ी हैं। सिद्धार्थ को लगा कि वह किसी शमशान में खड़े हैं, चारों ओर गंदी घिनौनी लाशें पड़ी हैं। सिद्धार्थ का वैराग्य तीव्र होता है। पत्नी और बेटे का एक झलक देखकर छंदक को आवाज़ दी, बोले घोड़ा निकालो, समझने निकल पड़े। यह प्रीकॉग्निशन का स्पष्ट उदाहरण हो सकता है। साधनारत जीवन में वीणा के तार को सुनकर के मध्यम मार्ग का अन्वेषण करना प्रीकॉग्निशन है। जीवन का सार समझ में आने के बाद वह मौन हो गए। फिर उन्हें आकाशवाणी हुई, जाओ और ज्ञान बांटकर कल्याण करो। उनके सामने समस्याएं थी, कौन योग्य व्यक्ति है जो उनके ज्ञान को ग्रहण करने योग्य है। तब उन्हें अपने मित्रों का ध्यान आया, लेकिन समस्या थी वो कहाँ मिलेंगे। उन्हें तुरंत पांच मित्रों मित्र कहाँ हैं का प्रत्यक्षीकरण हुआ। कैरी व्यांस का उदाहरण है, जो सीधे वाराणसी चल पड़े जहाँ उनके मित्रों ने समुचित सत्कार कर शिष्यत्व ग्रहण किया। बुद्ध के जीवन में उंगली माल की कहानी अत्यंत प्रचलित है। उंगली माल हिंसा एवं राक्षसी प्रवृत्ति का उदात्त उदाहरण था। बुद्ध अपने शिष्यों के मना करने के बाद उनसे मिलते हैं। यह टेलीपैथी और करेव्यांस का स्पष्ट उदाहरण है। निश्चित रूप से सामान्य दृष्टि से विज्ञान की प्रचलित अवधारणा तथा मनोविज्ञान की सामान्य नियमों से विपरीत है। बुद्ध निर्वाण प्राप्ति के पश्चात जो सिद्धि थी वह प्रकृति के सामान्य नियम से विपरीत एक विशेष वातावरण करने में सक्षम था, साइकोकाइनेसिस। बुद्धिज्म का यदि गहन अध्ययन किया जाए तो वज्रयान में अनगिनत ऐसे दृष्टांत मिलते हैं जो प्रकृति के सामान्य नियमों से परे दिखते हैं। अर्थात वर्तमान विज्ञान के लिए अभुज पहली है, परंतु सूक्ष्म नियमों से संभव है। प्रोफेसर वांशुक देवजी नेगी की पुस्तक वज्रयान दर्शन एवं साधना के परीक्षित वज्रयान तत्व दर्शन में के क्रिया तंत्र में बुद्ध लीला जो सामान्य नियमों के विपरीत परिलक्षित होता है। मरण बहुधा विघ्ना अनेक कार सुयोजिता भय सैन्य परावृत्य गत असो स्वभवन वनम पुनः। बोध गया में अभिसंबोधि प्राप्त करते समय मार्वलों द्वारा बोधि में विघ्न डालने के लिए अनेक उत्पाद किए गए। उस समय भगवान मार पराजय नामक समाधि में समापन्न हुए और काय वाक चित्त से महायामारी क्रोधराज को प्रादुर्भूत किया। कहा, वज्रपाणि तुम भैरव काय को धारण कर सभी आसुरी शक्ति का विनाश करो। चंद्र कीर्ति ने मध्यमा का अवतार में कहा, प्रथम प्रमुता भूमि को प्राप्त करके साधक बुद्धों के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर अनेक तथागतों का साक्षात कर उनसे धर्म श्रवण करता है। सत्य यह है कि बोधि सत्य को प्राप्त तथागत का अध्ययन करने हेतु सूक्ष्म नियमों से परिचित होना आवश्यक है। वर्तमान समय में बुद्धिज्म के देदीप्यान प्रत्यक्ष प्रमाण परम पावन दलाई लामा के जीवन की कुछ घटनाओं का जिक्र बुद्धिज्म परम विज्ञान को के संबंधों को दृढ़ करेगा। मैंने और संस्थान के सभी लोग देखे हैं कि जब परम पावन जी यहाँ आते तो उनके निवास स्थान जैसा घनघोर कोहरा यहाँ पड़ता है, साइकोकाइनेसिस का उदाहरण है। वर्तमान काशी नरेश के पुत्रों का जन्म परम पावन के आशीर्वाद से। पवित्र आत्मा दलाई लामा ने एक साक्षात्कार में श्री प्रवीण चोपड़ा और सुश्री स्वाति चोपड़ा से कहा, पिछले दलाई लामा अवलंकितेश्वर स्वरूप थे, पांचवें मंजूश्री के अवतार थे, मैं सभी महान लामाओं का पुनरावतार हूँ, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन का स्पष्ट उदाहरण है। परामनोविज्ञान के अध्ययन में मन मस्तिष्क के भेद को समझना आवश्यक है, क्योंकि आज भी वैज्ञानिक मस्तिष्क के स्थूल कार्य प्रणाली को पूरी तरह से नहीं समझ सके। मन को समझना और भी दुष्कर है, परंतु दोनों के अंतर संबंधों के अध्ययन हेतु परामनोविज्ञान अपनी भूमिका निभा सकता। अतः मन और मस्तिष्क के भेद को समझना सामयिक होगा। टाइम है सर, इसको भेद को पढ़ देना ठीक नहीं, अगर कहिए तो अभी टाइम है। नहीं ठीक है, अभी अगर टाइम हो तो पढ़ देना, तो आगे बढ़े। अच्छा ठीक है, चलिए हम इसको भेद नहीं करते। पवित्र आत्मा परम पावन दलाई माँ कहते कि सभी संवेदी जीव बुद्ध बन सकते हैं। जब एक बार आपका मस्तिष्क शुद्ध हो जाए तो आप बुद्ध हो जाते हैं। मेरी दृष्टि से जब भी बुद्ध होते हैं तो सभी नकारात्मकता क्लेश अज्ञान से मुक्त परम करुणा स्वरूप हो प्रकृति के सूक्ष्म गतिविधियों को आत्मसात लेते हैं, प्रत्यस्त हो जाते हैं तथा जीवित निर्वाण स्वरूप हो सबके प्रति करुणा का स्पंदन अपने आप होने लगता है। बुद्ध के द्वारा जो होता है
वह बहुत बार प्रकृति के प्रामाणिक नियमों भौतिक विज्ञान की परिधि से बाहर दिखता है, चमत्कार दिखता है। बुद्ध जो बताते वह तो मनोविज्ञान है और उसका अध्ययन तो मनोविज्ञान के सामान्य परिभाषा साइकोलॉजी साइंस ऑफ बिहेवियर एंड इट्स कॉग्निटिव प्रोसेस के अंतर्गत किया जा सकता है, परंतु बोधिसत्व प्राप्त करने के बाद अध्ययन परामनोविज्ञान के अंतर्गत करना ही समसामयिक होगा। साइकोलॉजी स्टडी पैरासाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑन एक्सप्लेन मेंटल फेनोमेना। मेरी दृष्टि से उसी अवधारणा का आधारभूत मानना होगा कि साइकोलॉजी की पहली परिभाषा साइंस ऑफ माइंड और कॉन्शसनेस, उसका अध्ययन हेतु अंतर्दर्शन पद्धति को अपनाना होगा। बौद्ध दर्शन या मनोविज्ञान में चित्त या मन को सदैव केंद्र माना है। अच्छा है बुरा सबसे पहले मन में उत्पन्न होता है। परामनोविज्ञान भी मन की विशिष्ट उपलब्धियों के अध्ययन का विज्ञान है। वैज्ञानिकों ने माना कि शरीरधारी में एक्टोप्लाज्म नामक एक सूक्ष्म द्रव्य विद्यमान है जो मन को साधने पर सक्रिय होता है, जिससे व्यक्ति में विशिष्ट अनुभूति होती है। संपूर्ण बौद्ध वाङ्मय मन या चित्त को ही नियंत्रित करने की विधि बताता है। इस संदर्भ में मन को समझना आवश्यक है। सब कर्मन की मूल बसत है मन माही, आगे आगे मन दौड़े पीछे बल बरसाई। यह अनुवाद है अभिधम्म का। बौद्ध दर्शन में पुनर्जन्म की पूर्ण मान्यता है। परमनोविज्ञान का अध्ययन विषय एक बार पश्चिमी वैज्ञानिकों ने परम पावन दलाई लामा से कहा, परम पावन ने कहा, यदि आप पुनर्जन्म नहीं मानते हैं तो आप सिद्ध करें पुनर्जन्म नहीं होता, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। तिब्बत में पुनर्जन्म के तथ्य काट्य है। 11वीं शताब्दी में कर्मापा ने परिनिर्माण के उपरांत पुनर्जन्म के स्थान पर माता पिता का नाम आदि स्पष्ट उल्लेख कर अपने शिष्यों को बताकर या किसी मंजूषा में लिख कर जाते थे। पुनर्जन्म में अब तक हुई शोधों में 500 पुनर्जन्म के संबंधित 77% कुछ न कुछ सच्चाई पाई गई। इसे बेंगलोर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस के डॉक्टर संत पसारिया ने माना है। बोधि तत्व जातक कथाओं में जीवन चक्र और पुनर्जन्म की कथाओं का अथाह भंडार है। बुद्ध के चार आर्य सत्यों को यदि गहराई से विवेचित किया जाए तो परामनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र का विषय हो सकता है। बुद्ध जिस समय आए थे उस समय समाज में धर्म के नाम पर चमत्कार दिखाकर लोगों का शोषण अत्याचार अनाचार हो रहा था। इससे समस्त ईश्वरीय गुणों चमत्कारी शक्तियों के होने के उपरांत भी सिर्फ मध्यम भाग को अपनाया और बताया तुम वही हो जो मैं हूं। हाँ सर, तो मैं एक सामान्य सी स्टडी कुछ छोड़ देता हूँ बीच में से। अगर पैरासाइकोलॉजी बुद्धिज्म की स्टडी करने के लिए मुझे इंपेरिकल और कॉन्सेप्चुअल एस्ट्रोलॉजी रिसर्च के लिए दोनों का प्रयोग करना चाहिए। एक बौद्ध धर्म ध्यान साधना करते समय साधक स्वयं अपने आराध्य देव को धारण करता है, अर्थात आराध्य के समस्त गुणों को आत्मसात करता है, वह देव हो जाता है। साधक वह देव स्वरूप स्थूल शरीर एक्स्ट्रा सेंसरी सेंसेशन से एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन की तरफ बढ़ता है। इस संदर्भ में एक छोटा सा अध्ययन किया गया। वर्तमान शोध प्रक्रिया में एक अत्यंत संक्षिप्त पायलट स्टडी की गई। क्या आगत का पूर्वाभास होता है? अध्ययन मात्र 10 पुरुषों और 10 स्त्रियों पर किया गया था। अध्ययन का आधार था 35 से 40 50 वर्ष के पूर्व के बीच लोगों को मानसिक स्वास्थ्य सामान्य था, कोई सी जीर्ण व्याधि के नहीं थे और सभी सामान्यतः धर्म बौद्धालमी थे। इनसे चार क्वेश्चन पूछे गए थे कि क्या आपके जीवन में ऐसा होता है कि जब आप किसी को याद करते हैं तो वह भी आपको याद करता है? इसको 5 रेटिंग स्केल पर रखा गया था, कभी नहीं, कभी कभी, सामान्यतः, अक्सर, सदैव। इस तरह के क्या आपके जीवन में ऐसा होता है किसी घटना के घटित होने के पूर्व उसका पूर्वाभास होता है? क्या आपके जीवन में ऐसा होता है कि आपका भविष्य कथन सत्य होता है? क्या आपके जीवन में ऐसा होता है कि आप अपनी मानसिक शक्ति से किसी निर्जीव वस्तु खिला सकते हैं? इस संदर्भ में जो स्टडी में आया, इस अध्ययन में पाया गया कि सामान्यतः व्यक्तियों की संवेदना आभास एक्स्ट्रा सेंसरी सेंसेशन की स्थितियाँ अधिकतर लोगों में रहती हैं। इस संक्षिप्त अध्ययन में आवश्यक परिलक्षित होता है कि महिलाओं की छठी इंद्रिया एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन थोड़ा अधिक पाया जाता है, परंतु ये इस परिणाम को हम कदापि सामान्यकृत नहीं कर सकते हैं। टेलीपैथी सामान्यतः महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा 10% अधिक पाई गई। पूर्वाभास भी महिलाओं में सामान्यतः पुरुषों की अपेक्षा 20% अधिक पाया गया। भविष्य कथन महिला और पुरुष दोनों में बराबर पाया गया। निर्जीव वस्तु को खिसकाने का गुण महिला और पुरुष दोनों में नहीं पाएगा, अर्थात 100% उत्तर नहीं था। अनेक बार
और ये स्पिरिचुअल क्वेश्चन में भी 5 क्राइटेरिया है और उसके लेवल्स उन्होंने तय किए हैं। बहुत सारा पैरासाइकोलॉजी में, बुद्धिस्ट पैरासाइकोलॉजी में काम हुआ है। कैरल उसका एक नमूना है। वैसा ही कॉग्निटिव साइकोलॉजी से यदि आप देखते हैं तो पियागे, इसने कॉग्निटिव एपिस्टेमोलॉजी या जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी पर बहुत सारा काम किया है। जस्टिफिकेटरी एपिस्टेमोलॉजी पर भी आप यदि देखते हैं पैरासाइकोलॉजी में, मैं अपनी लौकिक साइकोलॉजी में बोल नहीं रही हूँ, पैरासाइकोलॉजी में बोल रही हूँ, तो न्यूरोसाइकोलॉजी या न्यूरोलॉजी के बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं। मैंने मेरे पेपर में अंत में ये जो रेलेवेंस लिखा था उसमें लाया था कि न्यूरोसाइकोलॉजी यदि आप देखते हैं तो आपको त्रिस्वभाव मिल जाता है। हाँ, मिलता है, ऐसा उन्होंने लिखा है, मैंने नहीं मैंने रेफरेंसेस दिए थे। सो रेलेवेंस इज देयर एंड लॉट ऑफ वर्क इज डन इन दिस एरिया इन द वेस्ट इन पैरासाइकोलॉजी, इन पैरासाइकोलॉजी, बुद्धिस्ट पैरासाइकोलॉजी। मैंने यहाँ जो तलाशा रेफरेंसेस, तो योग पे तो बहुत मिला पैरासाइकोलॉजी का, बुद्धिज्म से रिलेटेड मुझे रेफरेंस यहाँ नहीं मिला। संवाद में कुछ तो दे हैव एक्सपेरिमेंटेड ऑन योगाचार भूमि शास्त्र फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पैरासाइकोलॉजी। अच्छा, हम लोग तो जाते तो रहे, तो आप मिले नहीं क्या? हाँ, तो अच्छा, आपसे निवेदन, हाँ कोई तो आपने अपना भी परिचय देना। अच्छा, डॉक्टर आर्यन प्रसाद जी, आप पर भी वही सुविधाएं लागू होती हैं 20 मिनट की। अफसोस की बात है, मैं शुरू में ही कहा था हमको अच्छा नहीं लगता किसी को रोकना, लेकिन अब यह है कि इतने लोग हैं सबका, लेकिन 20 मिनट में ही हम लोग बहुत प्रभावित हो सकते हैं, कोई ऐसी नहीं है कि लंबा लेक्चर हो तभी हो। करुणा शीतल हृदयं पय्या पज्जोत विहत मोहतमं सन रामर लोक गरुं वंदे सुगतं गति विमुक्तं। मंच पर आसीन इस सत्र के अध्यक्ष महोदय, मेरे सहवक्तागण, इस गोष्ठी में विभिन्न सम्मानित विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थानों से पधारे विद्वज्जन, हमारे शोध छात्र और अन्य छात्र जो जिज्ञासावश यहाँ विराजमान हैं, मैं सबसे पहले यहाँ उपस्थित भिक्षु संघ को प्रणाम कर इस गोष्ठी के आयोजक मंडल को, जिसमें हमारे बंधुवर नेगी जी और आचार्य पेनपा जी का योगदान प्रमुख है, मैं इन सबको हमें यहाँ इनवाइट करने के लिए और इस महनीय संगोष्ठी का एक हिस्सा बनने के लिए मैं उनको उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे इस शोध पत्र का शीर्षक है, जो कि आयोजक मंडल द्वारा ही मुझे दिया गया था,
पाली साहित्य में प्रतीत समुत्पाद की देशना, यानी बुद्ध की जो देशना है वो पाली साहित्य में किस रूप में सुरक्षित है, मैं उसकी बात करूंगा। और सीधे पत्र पर न जा करके मैं सबसे पहले ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि अभिधर्म की देशना बाद में दी थी बुद्ध ने और कहाँ दी थी, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। लेकिन हम जो पाली साहित्य में पाते हैं तो जो बुद्ध का प्रथम उदान है, आप जानते हैं दो परंपराएं हैं इसको मानने वाली, एक धम्मपद भाणक परंपरा है जो धम्मपद की गाथाएं, तीन गाथाओं का एक संग्रह है अनेक जाति संसारं, उसको मानती है, और एक बहुसंख्यक एक परंपरा वो है जो उस गाथा को मानती है जिसको बुद्ध ने ये राजगीर में वो अपने जब विमुक्ति सुख का अनुभव कर रहे थे उसी क्षण उनके मुंह से निकला था उदान, और वो है यदा हवे पातु भवन्ति धम्मा आतापिनो जायतो ब्राह्मणस्स अथस कंखा वपयन्ति सब्बा यतो पजाना तिस हेतु धम्मं। तो आप देखेंगे हेतु धर्म का उद्भावन यहीं से हो जाता है। इसका मतलब है कि उनके द्वारा अनुभूत ज्ञान में इस हेतु धर्म की प्राधान्यता है, इस हेतु धर्म का प्राधान्य है, और इसीलिए उन्होंने जब इसकी गंभीरता का आभास किया तो वो थोड़ा सा शिथिल हुए देशना के प्रति कि मैं अधिगतो में अयं धम्मो गंभीरो दुर्दशो दुर्दर्श है, आसानी से देखने योग्य नहीं है, सब कोई नहीं देख सकते, दुरनुबोधो इसका अनुबोध करना कठिन है, संतो शांत है लेकिन प्रणीत है, अतक्कावचरो तर्क से परे है, सिर्फ अनुभव करने की चीज है, निपुण है पंडित वेदनीय है, यह पंडित ही इसको जान सकता है, और मैं देख रहा हूं कि ये सारी प्रजा जो मेरे समक्ष है वो आलय रामा खोपनायंग प्रजा, जो कि अपने आलय में व्यस्त है। और जैसा सुबह पहले ही शोध पत्र जो हमारे प्रसाद सर ने पढ़ा था उसमें यही एक बहुत क्या कहेंगे पटिशोतगामी सबसे बड़ी समस्या ये है उसमें कि ये सामान्य जन इसको नहीं अपना सकते क्योंकि यह पटिशोतगामी है, अनुशोत में चलते जाइए कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये पटिशोतगामी है, निपुणंग गंभीरंग दुर्दशंग अड़ुंग राग रत्ता न दखंती तमो खंधे न आवुता, ये तमो राशि से आवृत जो जनता है, घिरी हुई जनता है, ये इसको नहीं समझ पाएगी, मैं कैसे जो है इसका व्याख्यान किसके समक्ष करूं। तो ऐसा सोच करके वो थोड़ा सा उनके अंदर शैथिल्य आया, लेकिन आप सभी जानते हैं महाब्रह्मा के अनुरोध पर वो इस कार्य में प्रवृत्त हुए। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा नहीं है कि सभी प्रजा अत्यंत राग में डूबी हुई है, उसमें हैं बहुत सारे अपरजक पुरुष भी हैं, अपरजक प्रजा भी है, यानी अल्परजस्क अल्प राग वाली। वहाँ एक वो उदाहरण भी देते हैं कि जैसे कमल का फूल है, कमल की जड़ कीचड़ में है और कुछ दूर वहाँ से कुछ फूल जो है ऊपर आते हैं कीचड़ से निकल करके, लेकिन फिर भी पानी के अंदर हैं, और वहीं कुछ पुष्प ऐसे हैं जो पानी के ऊपर आ करके क्या कहते हैं विकसित अवस्था में हैं। तो इसी तरह प्राणियों में भी तीन चार तरह कोटि के प्राणी हैं, आप जो विकसित अवस्था में हैं थोड़े वो आपके बातों को समझेंगे, आप जो है उपदेश दीजिए, नहीं तो लोक का बड़ा अनर्थ हो जाएगा, आपने इतना महत्वपूर्ण जो उपलब्धि की है उससे यह दुखी जनता वंचित रह जाएगी। तो उन्होंने देशना की, उसमें याणा देशना वो हार देशना तक वो सीमित रहे, उपदेश नहीं दिया ये सही बात है तुरंत, लेकिन उसका बीजारोपण अपने प्रथम उद्गार में ही उन्होंने कर दिया था। अब
अपने कथन में बुद्ध ने जिस पटिशोतगामी निपुण गंभीर एवं दूरदर्श धर्म को इंगित किया था उसमें वह धर्म अविधर्म का प्राण है। प्रतीत समुत्पाद संपूर्ण बौद्ध चिंतन का मूल है, इसलिए इसकी देशना को लेकर बुद्ध को चिंता थी। यही कारण है कि उन्होंने अविधर्म की देशना बाद में यथा अवसर किया। कहा जाता है कि सम्यक संबुद्ध विभज्यवादी हैं तथा बुद्ध श्रावक भी विभज्यवादी हैं, क्योंकि वे विनयानुकूल विभागशः सेवितव्य असेवितव्य धर्मों का कथन करते हैं तथा साथ ही शाश्वतवाद और उच्छेदवाद के समाधान को भी विभज्य व्याकरणीय कहा है। इसी आधार पर बुद्ध एवं बुद्ध श्रावक विभज्यवादी हैं। प्रतीत समुत्पाद प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न धर्मों का एक समवेत सैद्धांतिक नाम है। अकेले अविद्या और अविद्या पच्चया संखारा संखार पच्चया व्याण कहते रहिए, लेकिन ये एक ही अनुलोम नय से ये प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत नहीं द्योतित होता है जब तक उसमें प्रतिलोम नय से जो प्रत्ययोत्पन्न धर्म है उनकी भी चर्चा नहीं करते हैं। तो प्रत्यय और प्रत्ययोत्पन्न धर्म अर्थात अविद्या एक प्रत्यय है और उसका प्रत्यय प्रत्ययोत्पन्न धर्म क्या हुआ, संखार। तो इन दोनों के समवेत रूप को ही प्रतीत समुत्पाद कहा जाता है। यहां विवेच्य प्रतीत समुत्पाद विभंग के अनुसार दो नयों में विभाजित है। मैं पाली परंपरा की बात कर रहा हूं, सुतंतिक नय तथा अभिधम्मिक नय। सुतंत भाजनीय भी दो भागों में विभाजित है, उद्देश्य एवं निर्देश। उद्देश्यवार वर्णना के माध्यम से टीकाकार द्वारा द्वादशांग प्रतीत समुत्पाद का सामान्य परिचय दिया गया है तथा निर्देश नय से प्रत्येक अंगों की विशेष व्याख्या की गई है। यहाँ तीन काल, 12 अंग, 20 आकार, 3 संधियाँ, 4 संक्षेप, 3 वर्त, 2 मूल आदि का विस्तार से विचार किया गया है। आगे उपसंहार में ये चीजें, इन चीजों पर थोड़ा सा प्रकाश डाला गया है, समय मिला तो उस पर भी आएंगे। मैं थोड़ा छोड़ रहा हूँ इसमें। प्रतीत समुत्पाद का अर्थ कारण से कार्य का उत्पाद तथा कारणों के विनाश से कार्य का विनाश किया जा सकता है। इसकी उत्पत्ति प्रतिपूर्वक इण गतौ धातु से ल्यप प्रत्यय करके और सम उत्पूर्वक पद धातु से घ प्रत्यय करके की जाती है, जिसका अर्थ है प्रत्यय को प्राप्त कर प्रादुर्भाव। इसीलिए कहा गया है कि जो प्रत्यय समूह प्रत्यय सामग्री की अपेक्षा करके सम एवं साथ प्रत्ययोत्पन्न धर्मों का उत्पाद करता है वही प्रतीत समुत्पाद है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार अविद्या संस्कार आदि पूर्व पूर्व कारण धर्म ही मुख्य रूप से प्रतीत समुत्पाद हैं, किंतु प्रत्यय धर्म की प्रत्ययोत्पन्न धर्म के अभाव में नहीं हो प्रत्यय धर्म भी प्रत्ययोत्पन्न धर्म के अभाव में नहीं हो सकते। अतः संस्कार विज्ञान आदि बात के धर्म भी अविनाभाव संबंध से प्रतीत्य समुत्पाद कहे जा सकते हैं, अथवा यूं कहें कि प्रत्यय सामग्री को प्राप्त कर फल को उत्पन्न करने में सक्षम धर्म को प्रतीत्य समुत्पाद कहा जा सकता है। प्रतीत्य समुत्पाद हेतु प्रत्यय के आधार पर दुख का उदय तथा हेतु प्रत्ययों के विनाश से दुख का विनाश बतलाने वाला नियम है। यह दुख समुदय तथा दुख निरोध की हेतु सम्मत व्याख्या करता है। पाली त्रिपिटक में इन प्रत्ययों की दो नयों से व्याख्या की गई है। अच्छा, ये आ गया है पहले तो, हाँ, पाली ग्रंथों में प्रतीत समुत्पाद को तथता, अवितथता, अनन्य तथता और इदम प्रत्ययता भी कहा गया है। इसका अर्थ होता है कि उन उन प्रत्ययों से उन उन धर्मों की उत्पत्ति होती है, उससे कम या अधिक नहीं, सब फिक्स्ड है, इसीलिए तथता है। अभी तथता इसलिए कि प्रत्यय सामग्री उपस्थित होने पर उससे उत्पन्न होने वाले धर्म भी अवश्य ही उपस्थित होंगे। अनन्य तथता का अर्थ है कि किन्हीं अन्य प्रत्ययों से किन्हीं अन्य प्रत्ययों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। और इदम प्रत्ययता इसलिए है कि सभी पदार्थ प्रत्ययों या प्रत्यय समूहों के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, अतः कारण से कार्य का उत्पाद तथा कारण के अभाव में कार्य का अनुत्पाद बतलाने वाले नियम का नाम प्रतीत समुत्पाद है। ये अलग अलग तरह से पाली साहित्य में प्रतीत समुत्पाद को कहने की विधि है।
अतः प्रतीत समुत्पाद का अर्थ केवल प्रत्ययों से उत्पाद मात्र को प्रतीत समुत्पाद का अर्थ नहीं माना गया है, हमारे ये उपर्युक्त कथनों से भी स्पष्ट होता है। इसके समर्थन में चार कारण दिए गए हैं कि सुत्त पिटक में इसका प्रमाण नहीं मिलता। सुत्त विरोध तो अर्थात सुत्त पिटक का ऐसा अर्थ करने पर विरोध होता है। गंभीर न असंभवतो अर्थात ऐसा करने से गंभीरता की हानि होती है, तथा सद्द भेदतो अर्थात ऐसा करने से व्याकरण संबंधी दोष भी आता है इसमें। इसलिए प्रत्ययों से और प्रत्ययों और प्रत्यय धर्मों का समवेत जो रूप है उसी को हम प्रतीत समुत्पाद कहेंगे। कुछ और इसमें परिभाषाएं जो हैं दी गई हैं, मैं आगे छोड़ूंगा, इसको मैं ले लेता हूं। इसलिए प्रतीत समुत्पाद का अर्थ प्रत्ययों से उत्पाद तथा प्रत्ययों के विरोध निरोध से उत्पाद का निरोध किया जाता है। अभिधम्मत संगमों में इस परिभाषा को अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। एक सूत्र है, एक पंक्ति है उसमें कि तब भाव भावि भावाकार मत्तोपलक्षितो पटिच समुत्पादो, अर्थात अविद्या आदि प्रत्यय धर्मों के उत्पाद से उत्पन्न होने वाले संस्कार आदि प्रत्ययोत्पन्न धर्मों की उत्पत्ति आकार मात्र से उपलक्षित न प्रतीत समुत्पाद न है। यहाँ तद भाव शब्द से अविद्यापचया वियाणपचया आदि प्रत्यय समूह द्योतित होते हैं, तथा भावी शब्द से उसके जो प्रत्ययोत्पन्न धर्म है संस्कार विज्ञान नाम रूप आदि प्रत्ययोत्पन्न धर्म समूहों का द्योतन होता है। इसके अनुसार इसके होने से यह होता है, इसके नहीं होने से यह नहीं होता है, इसके निरोध से यह निरुद्ध होता है आदि आदि बातें कही गई हैं। विभंग अट्ठ कथा में भी इसकी चर्चा है, जहां इस पर यह कहा गया है कि यंग पटिच फलम एति सो पच्चयो पटिच्चाति न बिनातेन, जिस अविना भाव संबंध की चर्चा पहले आ गई है यहां भी वही कह रहे हैं। तंग अपचखित्वाति अथो अर्थात जिसके कारण फल उत्पन्न होते हैं वे प्रत्यय हैं, जैसे अविद्या के कारण संस्कार होते हैं। यहाँ अविद्या संस्कार का हेतु है, अतः अविद्या को प्रत्यय कहा गया है, तथा संस्कार प्रत्ययोत्पन्न धर्म है, इसी प्रकार की व्याख्या परमत्थ दीपनी में भी की गई है। इस अत्यंत गूढ़ एवं गंभीर किंतु परमार्थ सत्य का ज्ञान कराने वाले प्रतीत समुत्पाद का नाम मात्र कथन बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्ति के अपने प्रथम अनुभव के रूप में ही कर दिया था, जिसका उल्लेख महावग्ग में जो गाथा मैंने पहले कही है वो मिलती है। इसके अनुलोम एवं पटिलोम नए से क्रमशः कारणों से कार्यों की उत्पत्ति एवं कारणों के निरोध से कार्यों की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित होता है। आगे इसका 12 अंगों का संक्षिप्त, जी मैं इसीलिए छोड़ने जा रहा हूँ, आगे इन द्वादशांग की व्याख्या पाली ग्रंथों के आधार पर संक्षिप्त रूप में की गई है, और उसमें अब था तो ये सूचनात्मक था काफ़ी विद्यार्थियों के लिए, लेकिन समय की कमी इसलिए इसको छोड़ूंगा। मैं सीधे अब जरा मरण पर आता हूँ, और बल्कि इसको भी छोड़ के उपसंहार पर आ रहा हूँ। इस प्रकार प्रतीत समुत्पाद पर संक्षेप में विचार किया गया है। जैसा कि पूर्व में कहा गया है, यह इदम प्रत्ययता के सिद्धांत है, जिसे कार्य कारण भाव सापेक्षता हेतु प्रत्ययता आदि नामों से अभिहित किया गया है। यह नियम संसार की गतिशीलता का परिचायक है। इसकी 12 कड़ियों में पूर्व वर्तमान भाव से लेकर अनागत भाव तक का चक्र चलते दिखता है। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रतीत समुत्पाद तीनों जन्मों से संबंधित है, पूर्व प्रत्युत्पन्न और अनागत। अविद्या एवं संस्कार दोनों हमारे पूर्व जन्म की वे रचनात्मक कर्म शक्तियां हैं जो हमारे वर्तमान भव को निर्धारित करती हैं। वर्तमान जीवन के अंग जो तृष्णा भव और उपादान के रूप में उत्पन्न होते हैं स्वयं कर्म भव बन जाते हैं, इसका विपाक भविष्य में पुनर्जन्म के रूप में होता है। इन्हीं के कारण जरा मरण और दुख की संतति उत्पन्न हो जाती है। इस तरह यह भवचक्र निरंतर चलता है।
प्रतीति समुत्पाद आंतरिक एवं बाह्य जीवन के संपूर्ण व्यापारों के समुदय तथा निरोध का क्रम हेतु और निदानों के अन्याश्रित भव के आधार पर दिखाता है। पूर्व में जो यह कहा गया कि इसके तीन अध्व दो शब्द है अध्व के, नहीं यहाँ काल से है जी, काल भी इसका एक अर्थ है ना, तो उससे उस तरफ इंगित है ये जी, त्रयध्व जी। उनमें अविद्या एवं संस्कार अतीत अध्व हैं। यहाँ क्या है कि ये इस प्रतीति समुत्पाद को कई तरह से विभाजित कर देखा गया है और कई एंगल से इसको समझने का प्रयास किया गया है। जैसे संपूर्ण बुद्ध वचन को नव अंगों में विभाजित कर समझाया गया है, उसी तरह इस प्रतीति समुत्पाद को कई तरह से विभाजित किया गया है। मैं थोड़ा थोड़ा परिचय दे दूंगा, बस दो मिनट में खत्म होगा। उनमें अविद्या एवं संस्कार अतीत अध्व हैं। विज्ञान नाम रूप षडायतन स्पर्श वेदना तृष्णा उपादान एवं कर्म भव, ये आठ धर्म प्रत्युत्पन्न भव के अंग हैं। इस प्रत्युत्पन्न भव में कर्म भव नामक कुशल एवं अकुशल कर्म किए जाते हैं, अतः अनागत भव में जाति जरा मरण उत्पन्न होते हैं, इसलिए जाति एवं जरा मरण अनागत भव हैं। इसके 12 अंग हैं जिसकी गणना ऊपर की जा चुकी है। इसके 20 आकारों में भी यह विभाजित है। तो ये क्या है कि इसके 20 आकारों में अतीत भव में 5 हेतुओं, अब थोड़ा सा ये क्या कहेंगे कन्फ्यूजन पैदा करने वाला होगा, लेकिन अभी जब सामने रहेगा आपके और इसको पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। इनके 20 आकारों में अतीत भव में 5 हेतुओं अर्थात अविद्या संस्कार तृष्णा उपादान तथा कर्म भव और प्रत्युत्पन्न भव में 5 फलों विज्ञान नाम रूप षडायतन स्पर्श एवं वेदना, फिर प्रत्युत्पन्न भव में 5 हेतु जो पहले कहे गए हैं उन्हीं के नाम के साथ है, विज्ञान नाम रूप षडायतन स्पर्श एवं वेदना, जो यहाँ तक तो क्या कहेंगे फल है, आगे के लिए हेतु बन जाते हैं, और अनागत भव में 5 फलों वही विज्ञान नाम रूप षडायतन, तो फल और हेतु के आधार पर ही ये 4 वर्गीकरण किया है, 5-5 हैं इसमें, इस तरह से 20 इसके क्या कहेंगे बीस आकार हैं। प्रतीत समुत्पाद के अंगों में कारण धर्मों के अंत, अब ये जो है 3 संधियां हैं इसमें, 3 संधियां मतलब 3 तरह से ये 12 कड़ियां बीच में किस तरह से जुड़ती हैं, तो 3 संधियों के लिए 4 तरह से इसको विभक्त किया गया है। ये है अविद्या संस्कार और यहाँ संधि है बीच में, और आगे है विज्ञान नाम रूप षडायतन स्पर्श वेदना, फिर आगे से जुड़ती है उसका एक ग्रुप है तृष्णा उपादान कर्म भाव, और आखिरी ग्रुप है जाति और जरा मरण। इसको समझने के लिए और समझाने के लिए भी थोड़ा समय चाहिए, लेकिन ये 4 ग्रुप के नाते इनको जोड़ने के लिए बीच में संधियां जो है त्रिसंधि कहलाती हैं जी। अच्छा तो ठीक है, 2-3 चीजें और इसमें रह गई थी, छोटी छोटी थी लेकिन ठीक है। एक मेरे से छोटे सा एक क्वेश्चन, अभी डॉक्टर प्रसाद जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से पाली साहित्य में प्रतीत समुत्पाद का क्या स्वरूप है या कैसे उसका उद्भावना हुई उस पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इस संबंध में मैं एक वैसे अपनी जिज्ञासा है उसी संदर्भ में कि जिज्ञासा ये है कि आपने जो प्रतीत समुत्पाद का जो हेतु शब्द कहा है ना, तो हेतु शब्द के लिए आपने किसी ग्रंथ का उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ पर एक हेतु शब्द का प्रयोग हुआ है, उसी के बाद ये प्रतीत समुत्पाद की उद्भावना पाली साहित्य में हुई है। मैं एक संदर्भ और देना चाहूँगा, शायद आपने विचार किया कि नहीं मालूम नहीं, ये जब शारिपुत्र और मौद्गल्यायन भी बुद्ध के शिष्य नहीं हुए थे, उस समय की बात है जब अश्वजित ने शारिपुत्र को कहा ये दम्मा हेतु पववा हेतु तेषां तथागतो हि अवदत् तेषां च यो निरोधो एवं वादी महासम्मण, ये पाली में भी है और
संस्कृत में भी है जी, जी। क्या पाली किस सूत्र में है ये? कहीं सूत्रों में एक्चुअली जो सारिपुत्र को कहा था, मेरी बात सुनने से फिर आप बात बताइएगा, ये अब ये किस सूत्र में आता है, या क्योंकि ऐसा ये जो एक महायान की दृष्टि से तो ये प्रतीत्य समुद्रपात का एकदम मूल है, ये मूल है। अब पाली साहित्य में मालूम नहीं उसको किस रूप में लेते हैं, परंतु क्या ये किसी ग्रंथ विशेष का अंश है, या किसी सूत्र विशेष में आया है, या सामान्य प्रचलन के तौर पर यह है, ये मैं जानना चाहूंगा। जी, जो महाभग में कहीं क्वेश्चन ही ना भूल जाए मुझे महाभग में जो ये विनय पिटक का एक प्रमुख भाग है, महाभग की शुरुआत ही वहीं से होती है, बोधि कथा से। आप जो सारिपुत्र की बात कर रहे हैं कि सारिपुत्र को भी कहा था, बुद्ध ने नहीं कहा था, वो असजी भंते असजित, हाँ असजित जब वहां से लौटे थे धर्म प्रचारार्थ सारनाथ से आगे बढ़े थे, तो रास्ते में मुलाकात हुई थी और वहां उन्होंने कहा था, तो उन्होंने कहा था मुझे तो एक ही गाथा में पूरा जो है पूरा बुद्ध के सारे उपदेश मिल गए और सारी शंकाएं निर्मूल होंगी, और वहीं से वो चल पड़े वापस मुगलान को की खोज में कि मैं अब अपने मित्र को बताऊंगा, क्योंकि दोनों में एक समझौता हुआ था, जब साथ साथ मिलके और नहीं ज्ञान की खोज कर पाए थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा हम लोग दोनों दो विपरीत दिशा में जाएं, और जो पहले ज्ञान को प्राप्त कर लेगा वो दूसरे को बताएगा संपर्क करके। तो ये वहाँ भी इस गाथा का उल्लेख आया है, लेकिन पाली सोर्स के अनुसार ये धम्मपद में आई है, ये क्या कहते हैं ये, सॉरी महाभग में बोधि कथा में है ये। नहीं नहीं वो वाला है, हाँ हाँ सही है ये। हाँ हाँ क्यों नहीं सर, प्रश्न अभी प्रसाद जी ने प्रतीत्य समुत्पाद पर बहुत विस्तार से लिखा है, आपसे ये मैं जानना चाहता हूँ, एक तो जो 12 जो है अविद्या से लेकर जरा मरण तक है, ये प्रतिलोम अनुलोम इसको भी एक प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं, दूसरा जो है प्रतीत्य समुत्पाद, प्रतीत्य शब्द से नित्य का खंडन होता है, समुत्पाद से क्या नाम एक नित्य का एक अनित्य का उसका हो जाता है ना, वो क्योंकि जो प्रतीत्य समुत्पाद, कोई भी ऐसा संसार में ऐसी चीज नहीं है जो सा हेतु और प्रत्यय के कारण ही उत्पन्न होता है, स्वतः कोई उत्पन्न नहीं होता है, ये महायान शास्त्रों में इसी पर ज्यादा व्याख्या है ना, सारी चीज है ऐसे नहीं है कि अपने आप पैदा हो, अब स्वतः कोई उत्पन्न नहीं होता है, वो तो सब डिपेंड है कोई हेतु और प्रत्यय के लिए, तो इस तरह से पाली में भी कोई इस तरह से व्याख्या है, व्याख्या इसमें इस तरह से दिखाई देता है सर, ये 12 अंग जो हैं वो अतीत वर्तमान और अनागत के भेद से 3 होते हैं, 36 हो जाते हैं, और इसी में आगे जा करके उत्पाद स्थिति और भंग, जैसा आप कह रहे हैं कि मैंने वो अनित्यता का भी बोध हो रहा है और बाद में जाके नित्य भी दिखाई दे रहा है कुछ अंशों में, तो उत्पाद स्थिति भंग फिर उत्पाद फिर स्थिति भंग, इस तरह से करके ये क्रम जो है चलते रहता है, यही चित्त संतति है, और इसी चित्त संतति के आधार पर आत्मा का सर्वथा उच्छेद भी नहीं माना जाता है, तो यहाँ नित्यता और अनित्यता क्रम से ये आते रहती है, ऐसा मैंने हमने जो अध्ययन किया है इसमें ये पता चला। अच्छा लगा, आई एम रियली हैप्पी दैट ऑल थ्री कलीग्स स्पीकर्स, द फर्स्ट थिंग इज दैट देयर स्कॉलरशिप इज ऑफ कोर्स, एंड यू मे नॉट बी एन अकेडमिशियन बट यू रेस ए वेरी यू कैन से लॉट्स, नहीं ठीक है, मेरा ये देखिए जरूरी नहीं है कि आप प्रश्न केवल जो बुद्धिज्म पढ़े हो साहित्य पढ़े हो उन्हीं को प्रश्न सूझे, ऐसी बात नहीं है, प्रश्न तो सामने दिखाई दे रहा है क्योंकि हम जी रहे हैं, बुद्ध के सामने तो यही समस्या थी कि हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं किसी व्यक्ति के विशेष, एक व्यक्ति जैसे यहाँ इतने व्यक्ति हैं इंडिविजुअल्स हैं, इट इज़ वेरी मच इनबिल्ट इन द सिस्टम, ये अलग नहीं है, ये बड़ी अजीब सी बाहर नहीं है,
यू डोंट हैव टू ट्रांसेंड. ट्रांसेंड मीन्स इन द सेंस दैट आपको अंदर, भारतीय दर्शन की ब्यूटी है कि गो इनसाइड एवरी सिस्टम. चार्वाक को थोड़ा छोड़ दिया जाए लेकिन उसकी भी तो कई अंदर दुराई है, उसको भी तो. सो दिस वे दैट यू, सो इफ यू ड्रॉ ए लाइन, दिस साइड द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड दिस साइड द इंटरनल वर्ल्ड. जनरली इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द एक्सटर्नल वर्ल्ड हैज बीन फोकस्ड एंड यू आर जस्ट सीइंग द रियलिटी एज इट अपीयर्स. सो अपियरेंस एंड रियलिटी का जो डिफरेंस है, नाउ अपियरेंस को अगर कह देंगे उसको रियलिटी में, रियलिस्ट तो मानते ही हैं अपियरेंस है रियलिटी में. वो हमें टेबल दिखाई दे रहा है या लाल पीला दिखाई दे रहा है या चौकोर दिखाई दे रहा है, लकड़ी का बना हुआ है, इसमें कठोरता है या ये सारी चीज़ें जितने सब धर्म और धर्म मिला करके संबंध मिला कर सब रियलिटी है, क्योंकि माइंड का रोल तो उसमें नहीं है. माइंड एक मिरर की तरह हो सकता है. तो इसमें एक चीज़ ये है कि आप जो ये देखेंगे, जब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपने आप को एक्सप्लोर करना और एक्सप्लोर इंडिपेंडेंटली करना, शिक्षा ले लिया. सो दिस वे, ये दिस वे इफ यू सी देन इट, दिस इज एवरीबडीज प्रोजेक्ट, एवरीबडी इज लिविंग. यू डोंट हैव टू गो टू फार. सबके पास कॉग्निटिव सिस्टम है, सबके पास मेंटल सिस्टम है, सभी वेकिंग स्टेट में आ सकते हैं, ड्रीम स्टेट में आ सकते हैं, चाहे सुषुप्ति में आ सकते हैं, या सब में इमोशंस होते हैं, सब में चीज़ें सिस्टम तो है ही, जैसे तो सभी जानते हैं. लेकिन टू एक्सप्लोर वन सेल्फ एंड देर इज ए नीड द वैल्यूज. ये वैल्यूज क्या होंगी? इन वैल्यूज के लिए आपको, जैसे काम है, अब काम का तो कोई कंट्रोल नहीं, मतलब इस समझ में नहीं, क्योंकि हमारे अस्तित्व में है काम, अस्तित्व है. ये फंडामेंटल जो एक कह लीजिए कि फैक्टर है. वैल्यू तो बाद में बनेगा, वैल्यू तो बाद में बनी. तो ये ब्रॉडेस्ट सेंस में देखा जाए तो काम, और ये और जगह भी वेदों में भी एक जगह है, काम और तपस जो है, ये सारी चीजें ब्रॉडेस्ट सेंस में देखिए तो काम है. बाकी तो वैल्यू सिस्टम, ये सारी चीजें तो हमने बनाई है, चाहे पंचशील हो, चाहे अष्टांग मार्ग हो, चाहे ब्रह्म विहार हो, चाहे पारमिता हो, ये तो हमने अपने आप को एक वैल्यू सिस्टम अपने आप देने के लिए कि हम ये सारी चीजें, सब चीजें होती हैं. अब ये क्वेश्चन ये आता है कि बुद्ध ने कहा और बुद्ध ने नहीं कहा. मैं इसको नहीं मानता, नहीं मानता. बुद्ध ने कहा या नहीं कहा या किसी और ने कहा है, वो बुद्धिज्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है. बुद्ध और बुद्धिज्म ही, क्योंकि उससे जो है चीज़ें प्रकट हो रही हैं, डेवलप कर रही हैं. अब वो डेवलप कर रही हैं तो बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं. तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक डॉक्ट्रिन्स हैं, वेदर दे आर इन लाइन विद द बेसिक, इन एग्रीमेंट ऑफ द बेसिक डॉक्ट्रिन्स और नॉट, और उसमें है क्या उनके. धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में अगर मुझे जहाँ तक याद है, ये पटिच्च समुत्पाद पाद की ही तो बेसिक चीज़ें वही है ना. उसी से अनित्य होगा, उसी से अनात्मन होगा, उसी से जो है दुख होगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जुड़ी रहती हैं. और जिस जिस तरह से डेवलप किया, जैसे हमारे मित्र जो है पांडे जी हैं, तो हम बहुत हम जानते हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं और इनसे भय भी लगता है बात करने में. कई बार बात कीजिए तो अपनी मूर्खता सामने आती है, तो अच्छा है कि ना बात करें इनसे, तो यही हो सकता है. तो हर आदमी की अपनी अपनी कमजोरी होती है, उसमें कोई बात नहीं. तो इसमें एक है पैटर्न है. अगर आपको इतने पांच पांच वॉल्यूम्स के एक एक निकाय हैं और इतने जो है पांच और सारे त्रिपुटों को ले लें, तो जो अरेंजमेंट है कंटेंट्स का अरेंजमेंट है. अब जैसे टेबल कुर्सी सब मिला कर खिचड़ी बना कर इसे रख दीजिए, एक चेयर को अलग करता है, टेबल को अलग करता है, ऐसे लगता है. एक रसोई घर है जिसमें सजाया हुआ है, एक तरह इधर से क्रॉकरी है, इधर से जो है ग्रोसरी है, एक तरह से जो है ये सजाया हुआ है. ये सजाया हुआ दूसरे तरीके से था. क्षमा करेंगे, हमारा विषय इसमें कमजोर है तो इसलिए बाद में निंदा कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ भारी सभा में मत कीजिए. तो उसमें ये है कि जिस तरह से सुत को, जिस तरह से सारी चीज़ों को जैसे अरेंज किया गया,
अरेंज तो टॉपिक वाइज तो नहीं किया गया शायद, उस साइज वाइज ये किया गया किस जो अरेंजमेंट जो सुत्तों में हुआ है, तो हाँ तो उसका अरेंजमेंट जो है उसके बाद से अगर टॉपिक वाइज होता है, और टॉपिक वाइज में जो होता है उस टॉपिक वाइज में एक खास तरह के टॉपिक का अरेंजमेंट करके एक खास तरह से उसको डेवलप करते हैं। हर सूत्र क्लियर नहीं हुआ, मीनिंग के डिफरेंट लेवल्स हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं, कई एलिमेंट्स तमाम तरह के आते हैं, उसको विस्तार करना है और विस्तार कर करके उसको, तो इसको स्कॉलस्टिसिज्म कह दिया कि लोग स्कॉलस्टिसिज्म है, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो सत्य है उसको कई लेवल्स भी बन गए उसमें, कि मीनिंग के लेवल्स बन गए एक रियलिटी, उसमें कैसा आंसर तो देना पड़ेगा आपको कि जो आपके सामने था या नहीं भी रहे आपको क्वेश्चन देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर अनित्य है और अनात्म है तो कंटिन्यूटी का क्या होगा, फिर ज्ञान का होगा कैसे परिभाषा करेंगे, आप जी रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हमारी आत्मा नहीं है चाहिए करनी है, जब अभी हम तो देख रहे हैं हम तो जी रहे हैं, इसलिए हर व्यक्ति का हर इंडिविजुअल का ये प्रॉब्लम है, आप मूर्ख नहीं बना सकते बुद्धिजी में सबको, मूर्ख बनाना आसान नहीं है क्यों, व्यक्ति जे रहा है उसमें जो सारी चीजें टेम्पोरल फ्लो हो रहा है कि मैं जब पैदा हुआ था भ्रूण के रूप में जो है से मैं माँ के गर्भ में गया, चाहे जिस रूप में कहाँ से आया कैसे हुआ कैसे डेवलप हुआ और इतने एलिमेंट्स हुए, पता नहीं इतना सूक्ष्म रूप से स्टार्टिंग हुई और इतना बिलियंस ऑफ सेल्स अगर हो गए हमारे में तो प्रतीत समुत्पाद का क्या कैसे हुआ। लोग बताते हैं कि 5 साल में सारे साइंटिस्ट साहब बैठे हुए हैं, ही शुड फॉरगिव मी दैट ऑल द सेल्स डाई इन 5 ईयर्स टाइम, आई एम नॉट श्योर वेदर राइट और रॉन्ग बट नहीं होता, लेकिन कुछ चलते रहते हैं मरते रहते हैं कुछ निकलते रहते हैं कुछ आ रहते, कंटिन्यूटी तो बनी हुई ना, गंगा तो वही नहीं है, गंगा तो लाखों साल से बनी हुई है, ये कितने नाले गिर रहे हैं कितने पानी गिरते हैं कितने बह गए कितने आते हैं, तो गंगा वही कैसे है तो ये समझना पड़ेगा ना। हमसे कोई पूछे प्रसाद आप कौन है, हमने कहा प्रसाद है, तो कहाँ है प्रसाद बताइए, ये क्या है प्रसाद हैं आप, नहीं ये है नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं नहीं, आप सैकड़ों ऑर्गन्स को दिखा दीजिए, नहीं 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 नहीं, तो फिर प्रसाद कहाँ गया, क्यों प्रसाद बोला आपने इसको, तो डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर भी प्रसाद से ही आप इसको कर सकते हैं। तो एक चीज ये होता है कि आप जो मान रहे हैं हमारा है उसको डिकंस्ट्रक्ट करना, जो बिलीफ सिस्टम है वो बिलीफ सिस्टम में एक खास है, और प्रतीत समुत्पाद जो है या फोर नोबल ट्रूथ जो है या जो है आपका मिडिल पाथ है, ये सब आपको बेसिक जो है एक प्रिंसिपल्स देते हैं, आप इंटरप्रिटेशन कैसे कीजिए। बैंगन है, अब बैंगन का सवाल लोग बताते हैं कि एक बार अकबर और बीरबल है, 10 मिनट समय इसलिए चिंता मत कीजिए तो एक बार जो है उसने क्योंकि चाय अभी तैयार नहीं इसलिए कह रहे हैं, तो 10 मिनट समय है, ने समय का प्रयोग तो करना है क्योंकि 10 मिनट तो हमें भी बोलने का अधिकार है, बैठे बैठे कमर दुख गए, लेकिन तो उसमें ये है कि इसने पूछा, एक कॉमन सेंस की बात है कि आप जो है, मेरी माँ अभी भी कहती है, मैं बहुत से लेक्चर में कहता हूँ कि उसको पता है कि मैं बहुत पढ़ा हूँ, अभी भी जिंदा है और जिए 85-87 की हो गई, तो उनको शुरू में परेशानी होती थी समझने में हमको कि हमारा बाबू जो है 10वां पास कर गया 12वां पास कर गया 13वां 14वां 15वां 16वां 16वां के बाद तो कोई क्लास होता नहीं है, उनको क्या पता है कि PhD नाम की भी कोई बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है, तो कई बार ऐसी बातें कहीं उनको बात होती थी तो उसमें एक दो बार कह दिया इतना पढ़ लो बुद्धि ना भाई, तो क्या करें उसको भी नहीं समझ में आता इतना पढ़ता क्यों है, समझ में नहीं आता तब ना आदमी पढ़ता है जी, और जो पढ़ लिया स्कूल का टीचर है पढ़ लेता है वो जाकर कक्षा को पढ़ाता है, 2 घंटा मार्केट में घूमता है, शाम को 4 घंटा और घूम कर आता है, फिर सो जाता है, सवेरे स्कूल जाता है, क्योंकि पढ़ लिया तभी तो पढ़ाता है, तुम तो लगातार पढ़ते जा रहे हो तो नहीं समझ में आ रही तब कर रहे हो, तो नहीं समझ में आई तो पढ़ाते कैसे हो बड़े ये देखिए आप पढ़ाते कैसे है क्वेश्चन, ये ब्यूटी है, आई मीन कीप Pursuing the issues and different levels of understanding, meaning, etc. Buddha ne to chup ho gaye, na? At one level he maintained silence. Lekin silence ko itna jyada interpret kiya, it became the roaring silence of the Buddha.
एंड देन यू सी द डेवलपमेंट आउट से दिस इज इज। तो इसलिए अभिधम्म की जो बात मैं समझता हूँ बेसिक सेंस में, टेक्स्ट में जाते जाने से जो है ना वो फ्लो कम हो जाता है लेक्चर, तो उसमें स्कॉलस्टिसिज्म जो आया उसमें एक तो ये कहा कि इसको मेरियोलॉजिकल रिडक्शनिज्म कहते हैं। तो प्रसाद कौन है? नहीं है, नहीं है तो क्या हुआ? इसको टुकड़े टुकड़े में काटो प्रसाद गायब हो जाएगा, फिर भी प्रसाद बोल रहा है। इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो सोचने में चीज ये है, प्रसाद है भी लेकिन प्रसाद है कहाँ, टेबल कहाँ है, पाँव निकाल दीजिए निकाल दीजिए, रथ कहाँ है, रथ को निकाल दीजिए, फिर भी रथ कहते हैं, फिर भी हमारे प्रैक्टिस में काम होता है, एक सवारी का काम करता है। तो इस तरह से इसको अंग्रेजी में कहते हैं मेरियोलॉजिकल रिडक्शनिज्म। और मेरियोलॉजिकल रिडक्शनिज्म में यदि वो प्रज्ञप्ति आती है रथ की, एक स्वरूप बनता है उसका, एक कंसेप्ट बनता है, तो बेसिक एलिमेंट्स करते करते कट जाइए, रिडक्शन इरिड्यूसिबल कब आएगा? अब वो तो द्रव्य सत्य हो गया। तो एक जो कैटेगराइजेशन जो हुआ और क्लासिफिकेशन हुआ और प्लुरलिटी जो पैदा हुई उसमें सब्सटेंस गायब हो गया, या आर्गुमेंट पैदा हुई, इसलिए इसको कैटेगरीज मेरियोलॉजी। अब ट्रूथ वैल्यूज भी लग गई, अब दो के जगह पर चार लग गया, हो सकता और लगा हो, समृद्धि हुई, परमार्थ हुआ, समृद्धि में मिथ्या समृद्धि और जो है तथ्य समृद्धि हो गया, फिर उसमें भी और मार दीजिए जिसको मारना, जिसमें बहुत सी तरीके सी थी। ये ब्यूटी है, बुद्ध ने जो कहा वो 40-45 सालों तक पैंतालीस वर्षों में जितना कहना था कह दिया, और तो 45,000 का 45 लाख वर्ष भी होंगे तो भी वो चलता रहेगा चलता है। अब ये क्वेश्चन है मेरे लाइफ स्टाइल पर क्या प्रभाव डालता है, ये बहुत सी चीज़ें हैं जैसे आप ये सोचिए, एक व्यक्ति के जो सबसे बड़ा दो जो मोटिवेटिंग फैक्टर है, जो रूट कॉज है, राग द्वेष मोह आदि सारी चीज़ें हैं, वो क्या कम हो रही हैं जिससे वो अपने आप को एक्सटेंड कर सके। इंडिविजुअल अपने को एक्सटेंड तो ऐसा कैसे कर, हाथ कितना फैलाएंगे, लेकिन एथिकल बिहेवियर में भी तो बहुत दूर पहुंच सकता है, बहुत दूर पहुंच सकता है। और दुख जो है मोटिवेट करता है, और दुख मोटिवेट करता है नहीं तो करुणा कैसे आएगी। इसलिए दुख का होना मोटिवेशन या कंसर्न फील करना इंडिविजुअल भी करे, दूसरा भी फर है। सौर पर का एक रिलेशन चले, रिलेशन मेटाफिजिकल कैटेगरी नहीं है, न्याय के लिए है, लेकिन रिलेशन में जो है ये काम कर रहा है, तो इस तरह से चला जाए। दूसरी चीज की ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट। इसके बाद हमारे वक्ता साहब ने, राय साहब ने जो कही, वो विशेषज्ञ हम लोग जैसे नहीं है क्योंकि इसी की रोजी रोटी खा रहे हैं और जीवन बीता, और फिर भी हम कोई क्लेम नहीं कर सकता कि हमने समझ लिया है। यहाँ जो जितने प्रश्न पूछते हैं नहीं समझने का ही तो एक परिणाम है ना। तो उसमें इन्होंने जो कहा, वो जो हमारे फ्रॉयड वगैरह का जो है वेस्टर्न जो तौर तरीका का है जिसको उन्होंने बोला, वो सारी चीज़ें मैं देखा हूँ योगाचार विज्ञानवाद में काफ़ी हद तक तो उससे बढ़िया मिलता है। कई बार तो लगता है बुद्धिज्म ने एंटिसिपेट किया, हुसल को एंटिसिपेट किया तो उसको किया, एम्परिसिस को किया, कि आप देखेंगे कि 2000 सालों पहले चीज़ और उसका रेलिवेंस आज भी है, रेलिवेंस है, वो जिंदा है, बुद्ध जिंदा है, बुद्धिज्म जिंदा है, और जिंदा मेरे में है, मेरी आने वाली पीढ़ी में रहेंगे, इस विश्व में रहेंगे, इस धरती में रहेंगे, क्योंकि बड़ा फैक्ट है सफरिंग जो एक फैक्ट, और फैक्ट के साथ ही जियेंगे, दूसरा कोई तरीका नहीं है। लास्ट में ये है कि जो लोटस का एग्जाम्पल दिया जब पटिशोधगामी में, तो उनको प्रेरणा मिली, लोटस से प्रेरणा मिली। मैंने कहा कि नहीं, ये ह्यूमैनिटी का जो लेयर्स है वो अंडरस्टैंडिंग के लेवल है, हायरार्किकल नहीं है, ये जो जेनेटिक लाइनेज नहीं है, फैमिली लाइनेज नहीं है जैसे ब्राह्मणिज्म में मिलता है, ये लोटस है, वो कीचड़ से पैदा हो रहा है, वो दुख से जहाँ के आदमी का सफोकेशन होता है, कीचड़ है, पानी है, वहाँ कौन सा पौधा है, वहाँ से खिला होता है, थोड़ा लेवल और आया, थोड़ा मड कम हुआ, कीचड़ कम हुआ, थोड़ा सा और हुआ होगा, आगे आगे थोड़ी सा साफ पानी का लेयर मिला, उसके ऊपर उठा उठ गया, उठ करके एकदम साफ हो गया। तो इससे ये लगा, ये लोटस एनालॉजी जो है या मेटाफर जो है, तो मेटाफर का प्रयोग आपने जो कहा वो नहीं किया, कारण है कि ये हो सकता है कि जो रीजन जो डेवलप कर रहा है वो रीजन जो मेटाफर से बाहर चला जाता है। हालांकि मेटाफर बड़ा पावरफुल एक मीडियम है मेटाफर,
हो सकता है। तो कुल मिलाकर हमें ये लगा अप्रत्यक्ष समुत्पाद का की समस्या ये है कि कोई सिंगल नहीं है मूवमेंट जो चल रहा है, या 10 मूवमेंट एक दूसरे के पीछे चींटियों जैसे चल रहे हैं, वो प्रत्यक्ष समुत्पाद नहीं है। आप जो है नदी को दो भाग में काटिए तो जितने बूंद इधर आएंगे, अरबों बूंद इधर अरबों बूंद उधर, वो है कलेक्टिवली मल्टीप्लिसिटी होती है कॉजेज एंड कंडीशन से, इसलिए यूनिटी नहीं है, एक सिंगल नहीं है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है आप बता सकते। तो उसमें परेशानी होती है। अब सवाल है कि कहाँ जाएं, कैसे एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेन करेंगे तो कहाँ कॉज एंड इफेक्ट, कई जगह तो एक लिमिट होती है। तो बुद्ध एक जगह कहते हैं या कहीं एक जगह अति दूरात, गार्गी को भी कहा आगे बोल के नहीं, दिमाग फट जाएगा, क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन, क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन, क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन, और यहाँ भी अति दूरात, अरे कहाँ चले गए भाई, यहाँ से जम करके वहाँ चले गए, यानी कोई मेटाफिजिकल प्रिंसिपल्स को आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, दुख यहाँ है आप वहाँ चले, समस्या यहाँ है समाधान वहाँ खोज रहे हैं, अति धावंती बहुत फास्ट जा रहे हैं। तो कभी चेक भी किया कि आप चेक जरा सा रुकिए कि आप चीजें चल रहे हैं, दिशा आपका लक्ष्य क्या है, वो लक्ष्य न भाग जाए। और ये जो है टू जैसे कहते हैं ना टू थ्रो द बेबी विथ बाथ वाटर, कि आप कर क्या रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि बहुत कुछ है बौद्ध दर्शन में, बुद्ध में, और वो कंटिन्यूटी तो स्वाभाविक है, कंटिन्यूटी की मेटाफिजिकल प्रिंसिपल जो है बड़ी समस्या है, वो कंटिन्यूटी यहाँ बनती है, आते तो आता है सीक्वेंस में आ रहा है, कंटिन्यूटी यहाँ बनती है। तो लेबल्स भी कंस्ट्रक्शन के माइंड के कई होते हैं, ये सारी चीज़ें। मेरा अंत में ये है कि इन्हीं विद्वानों के बल पर बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं, जो इन तीन विद्वानों ने जो बोला उसमें बहुत कुछ है। हम कैसे लेते हैं, ये कैसे देते हैं, हम उसको और किसी ढाबा में जाएंगे खाना तो अलग मजा आएगा, माँ अपने बना कर देगी हाथ में तो अलग बनाएगा, तो एक बहुत अर्थ अंतर होता था खाना तो वही। मेरी बड़ी मुझे प्रसन्नता है कि तीनों विद्वानों ने बहुत कुछ दिया, और अनुशासन तो गजब का था, मतलब 20 मिनट 22 मिनट 20 मिनट 22 मिनट, और सबने अच्छा कहा, सबको साधुवा, और आप सबको भी वक्ताओं से ज़्यादा तो धैर्य आप लोगों में है, आपने सुना, तो सभी आयोजकों को मेरा धन्यवाद, खत्म करते हैं। संगोष्ठी निर्धारित समय पर समाप्त होने जा रहे हैं और लोग अभी भी थक चुके हैं, तो मैं समापन की ओर बढ़ते हुए आज की इस संगोष्ठी के अंतिम सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर एच प्रसाद जी, आपको इस सत्र के अध्यक्षता के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही समय पर अच्छे ढंग से अपने दायित्व का निर्वहन किया है और हमारे वक्ताओं के सार, वक्ताओं के विचार को सार रूप में प्रस्तुत किया और श्रोताओं को भी उससे लाभ हुआ होगा। और हमारे तीन प्रवक्ताओं को भी, जैसे कि हमारे सत्येंद्र प्रकाश पांडे जी हैं और अरुण कुमार राय जी हैं, आर एन प्रसाद जी राय हैं, आप तीनों के अपना विचार प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे श्रोतागण और हमारे प्रतिभागी बहुत समय से यहाँ सुन रहे हैं सुबह से, तो आप लोगों भी इस यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस बौद्ध अध्ययन संगोष्ठी का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।